यहाँ पर हम लोग जो है सम्मान की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और जो दूसरा भाव परिवार में दूसरा भाव है सम्मान, उसकी चर्चा को इस सत्र में आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारे पास लगभग 40 मिनट है, तो 40 मिनट में जितनी बात हो पाएगी उतनी बात को रखेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो जो 3 से 4:30 बजे वाला समय है वहां पर फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर सम्मान को देखने जाएं, तो ये बात तो पहले ही दिन से हो रही है कि जो मानव की मूलभूत चाहना है वो तो ये दिखाई देती है कि निरंतर सुख समृद्धि के साथ जीना चाहता है। सुख को कहा संगीत में व्यवस्था में जीना। अब जो कार्यक्रम बनाया, तो ये कार्यक्रम क्या है, तो ये देखा सभी स्तर की व्यवस्था को समझना और जीना। केवल समझने भर से नहीं होगा, हमने सब व्यवस्था को समझ लिया पर जीना नहीं हो रहा है उसके आधार पर तो भी बहुत ठीक नहीं होगा, और जी रहे हैं बिना समझे तो भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हमको सभी स्तर की व्यवस्था को समझना भी होगा और उसके अधिकार पर उसके आधार पर जीना भी होगा। समझने का कार्यक्रम क्या बनाए, कोई आदेश विधि से बना दें, उपदेश विधि से बना दें, या प्रस्ताव विधि से। तो ये दिखता है कि अगर कार्यक्रम हमारे पास प्रस्ताव विधि का आता है और मैं उसके अपने अधिकार पर जांच परख कर पाता हूँ, जी कर देख पाता हूँ, तो वो मुझे ठीक लगता है। परिवार में मेरी क्या भागीदारी है, इस पर बात चल रही थी, और सुबह से जो है वो विश्वास के भाव के ऊपर चर्चा हुई। तो ये बात तो ध्यान में आती है कि संबंध एक मैं का दूसरे मैं से है, संबंधों में भाव हैं एक मैं का दूसरे मैं के लिए, इन भावों को पहचाना जाता सकता है, निश्चित भाव है नौ है वो, और जब भी इनका निर्वाह और मूल्यांकन करते हैं तो वहां से उभय सुख होता है। सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम। विश्वास को कहा आधार मूल्य और प्रेम को कहा पूर्ण मूल्य। तो एक एक स्टेप हम लोग जो है देखते जा रहे हैं, आधार से शुरू करके प्रेम तक पहुंचना है पूर्ण मूल तक। तो अभी विश्वास को देखा, अब दूसरे स्टेप में सम्मान को देखते हैं। जब हमने विश्वास को देखा तो वहां ये बात ध्यान में आई कि दूसरे किसी भी व्यक्ति का चाहना अलग है और योग्यता अलग है। अभी हम इस चाहना और योग्यता को एक साथ मिला दे रहे थे, लेकिन ये बात ध्यान में आती है कि चाहना सभी का एक जैसा है क्योंकि वो सहज स्वीकृति के आधार पर है। और मैं कह रहा हूं इसलिए भी इस बात को मानिएगा मत, अपने में जांच परख करके देखिएगा तो इंटेंशन की क्लैरिटी हो पाती है कि जैसा मेरा इंटेंशन है वैसा दूसरे का इंटेंशन है। कॉम्पिटेंस अलग अलग हो सकता है, योग्यता अलग अलग हो सकता है। जो व्यक्ति जितना अपने ऊपर काम कर पा रहा है उतनी योग्यता उस व्यक्ति की अलग अलग हो पाती है। अब अगर सम्मान को देखने जाएं, तो सम्मान को कहा राइट इवेल्युएशन। अगर इस राइट इवेल्युएशन को और थोड़ा सा ब्रेक करके देखें और विच्छेद करके देखें, तो ये देखा सम्मान को लिखा सम प्लस मान, सम्यक मापना, ठीक ठीक आकलन करना, इसको कहा सम्मान। और इस पूरे सत्र में हम लोग इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि सम्मान क्या है, सम्मान सभी लोगों का हो या कुछ लोगों का हो, सम्मान कंडीशनल होगा या सम्मान अनकंडीशनल होगा, सम्मान किस आधार पर हो, मेरी इनकम कितनी है, मेरी खूबसूरती कैसी है, मेरे पास गाड़ी कैसी है, मेरा मोबाइल कैसा है, मेरा घर कैसा है, इस आधार पर हो या मानव के आधार पर हो, इन सारी बातों को हम लोग इस पूरी चर्चा में देखेंगे। क्या लगता है, ये परिभाषा ठीक है? आप चैट बॉक्स में यस और नो लिख सकते हैं सम्मान की। ठीक ठीक आकलन करने को सम्मान कह रहे हैं। बढ़िया, चैट में लोगों का प्रश्न आता है तो ये भी समझ में आता है कि मैं अकेला ही नहीं बोल रहा हूँ, सामने की तरफ से लोग सुन भी रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये इस बात की पुष्टि भी होती है कि हमारा जो एक संवाद है ये बना हुआ है, माध्यम कोई भी हो पर वो एक संवाद बना हुआ है, ये बात की भी पुष्टि होती है। बढ़िया, लेकिन आज की डेट में हम सम्मान कर रहे हैं या अन्यथा कुछ कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं,
इसको थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं। तो ये बात ध्यान में आती है कि दूसरी ओर हम ये तीन चीजें अधिमूल्यन, अवमूल्यन और आमूल्यन, ये तीन चीजें कर रहे हैं। अब अधिमूल्यन क्या है, अवमूल्यन क्या है, अमूल्यन क्या है, मैं इसको थोड़ा सा रखता हूं। जैसे अधिमूल्यन को कहा अधिक आकलन करना, दूसरा जैसा है उससे अधिक आकलन हम उसका कर रहे हैं। अवमूल्यन मतलब कम आकलन करना, दूसरा जैसा है उससे कम आकलन कर रहे हैं। तीसरा अमूल्यन, अन्यथा कुछ और ही आकलन कर दे रहे हैं, जो वो है उससे अन्यथा ही कुछ आकलन कर दे रहे हैं। अब अगर इसका उदाहरण देखें, जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, क्लास 1 में बच्चा है, और 1 में बच्चे के जो है वो रिजल्ट आया, उसका 95 98% आ गया, तो अब एक हफ्ते तक का घर का क्या कार्यक्रम रहता है। तो ये कोई भी गेस्ट आए, जाओ बेटा अपना रिपोर्ट कार्ड ले आओ, अंकल को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। अब वो रिपोर्ट कार्ड देखिए भाई, मेरा बच्चा तो जो मैथ्स में 99 ले आया है 100 में से, एक नंबर कोई गलती का नहीं, राइटिंग का बस कटा है। इंग्लिश में तो 100 ले आया है, हिंदी में 95 ले आया, इस तरह इसका टोटल नंबर देखिए कितना आ रहा है, 99%। ये तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कैसे कर सकता है भाई, मनुष्य का इंसान की औलाद है, जो काम इंसान के हैं मानव के हैं वही कर पाएगा। ये तो राजा बेटा है, हम उसको राजा बेटा कह रहे हैं। अब जब वो दो चार बार इस तरह का हो गया, राजा बेटा राजा बेटा, अब उसको भी हो गया है कि मैं राजा हूं, काम कौन करेगा, काम अब प्रजा करेगी, अब राजा बेटा कोई काम नहीं करेंगे। ये बात जो है ये अधिक आकलन हम इस तरह से करते हैं। अब वही बच्चा जो है कोई दो चार दिन 10 दिन बाद कोई मेहमान आए, हम उससे कहे कि बेटा जाओ पानी ले आओ, वो कह देता है मैं नहीं लाता। जैसे ही हमने कहा कि भाई मैं नहीं ला रहा, अब हमको आ गया गुस्सा कि मेहमान के सामने इतना छोटा सा बच्चा और मेरी ये जो है इंसल्ट कर दे रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, अभी जो है निकल जाओ यहाँ से, दिन भर कुछ काम नहीं करते रहते हो, इधर से उधर घूमते रहते हो, नालायक हो। अब नालायक बोल दिया मतलब अब किसी काम के लायक नहीं। तो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि ये कुछ भी कर सकता है, और थोड़ी देर बाद उसको क्या कहा, नालायक, मतलब किसी काम के लायक नहीं। तो ये हो गया कम आकलन करना। अब वही बच्चा थोड़ा और शैतानी कर रहा है, इधर उधर कुछ गड़बड़ी कर ले रहा है, तो हम क्या कह देते हैं, ये तो अब किसी काम का नहीं है, गधा है गधा एकदम। अब हम उसको मानव का बच्चा भी नहीं स्वीकार रहे हैं, हम उसको मनुष्य का बच्चा भी नहीं स्वीकारते हैं, हम उसको गधा या और कोई दूसरे पशु से कुछ कह देते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमूल्यन में ही कह रहे हैं, अधिमूल्यन में भी कर देते हैं, मेरा बच्चा तो शेर है, शेर कैसे होगा भाई, इंसान का बच्चा है तो इंसान ही के काम करेगा। तो ये अधिमूल्यन में भी कर रहे हैं, आमूल्यन में भी हम ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। अभी देखें, पति पत्नी आपस में भी अगर जब चर्चा होती है, कभी खाना जो है वो ठीक लग गया हमको स्वाद में, क्या खाना बना दिया है भाई तुम्हारे हाथ जो ऐसे में, तो कोई ऐसा खाना बना ही नहीं सकता है, ये बात हम कह देते हैं। वहीं किसी दिन खाने में नमक कम हो गया, तो हम फिर थाली भी फेंक देते हैं, ये अपने घर से खाना बनाना भी सीख के नहीं आई हो तुम। किसी दिन और कुछ गड़बड़ी हो गई, चावल जल गया, बताओ चावल जला दिया, यही सिखाया है तुमको, इस तरह की भी बात कर दे रहे हैं। तो जब हम ये सब कर रहे हैं, अधिमूल्यन अवमूल्यन अमूल्यन, तो ये क्या है, ये सम्मान है या अपमान है। सम्मान है तो चैट बॉक्स में S लिख दें, अपमान है तो A लिख दें। बढ़िया, तो ये दिखता है कि ये सब तो अपमान है, ये सम्मान तो नहीं है। और एक जो सबसे आज का मुख्यतः जो हम लोग अमूल्यन या अदरवाइज इवेल्यूएशन करते हैं, तो वो तो ये दिखाई देता है कि मैंने खुद को शरीर मान लिया है, कि मैं शरीर हूं, मैं को समझा नहीं है,
ये अपना ही हम अदरवाइज इवेल्युएशन कर लेते हैं, मैं शरीर हूं कि मैं सेल्फ हूं, इसको भी अपने में देखने की जरूरत है। सही आकलन जब नहीं होता है तो इसी को अपमान कह रहे हैं, यही अपमान है। ठीक, यहां पर एक हम लोग रिफ्लेक्शन भी ले लेते हैं, और अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो या कुछ बात रखना चाहते हैं तो वो भी ले लेते हैं। तो यह मेरे साथ होता है, अधिमूल्यन अवमूल्यन अन्यथा मूल्यन, दृढ़ता से सहमत, सहमत ना तो सहमत ना असहमत, सहमत है दृढ़ता से असहमत है। जी तृप्ति शर्मा जी हैं, नमस्ते तृप्ति जी। राजेंद्र जी हैं, नमस्ते राजेंद्र जी। ठीक, और अगर किन्हीं साथियों का कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो रख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये सिर्फ मेरे साथ होता है या मैं करता भी हूं? अगर मैं करता भी हूं तो के लिख दीजिए, सिर्फ होता है तो एच लिख दीजिए। बढ़िया, तो ये देख रहा है कि मैं करता भी हूं, मेरे साथ होता भी है और मैं करता भी हूं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक बात है। तो लगभग लगभग मुझे लगता है कि 90% लोग इस बात को तो कह ही रहे हैं कि ये दृढ़ता से सहमत हैं कि मेरे साथ होता भी है और करता भी हूँ, करती भी हूँ। सब लोग जो है इस बात को कह ही रहे हैं, और जब करते हैं तो उस टाइम पर आप आराम में बने रहते हैं या परेशान रहते हैं, या जब आपके साथ हो रहा होता है तब आराम में रहते हैं या परेशान रहते हैं, ये भी देखें। तो ये दिखता है कि परेशान रहते हैं, आराम में तो नहीं रहते। एक और महत्वपूर्ण बात, हम इस पूरे को अपमान समझकर कर रहे थे या सम्मान समझकर कर रहे थे, ये भी देखें। सम्मान समझकर कर रहे थे तो एस लिखते हैं, अपमान समझकर कर रहे थे तो ए लिखते हैं। तो ये बात ध्यान में आती है कि अभी हमको सम्मान की क्लैरिटी ही नहीं हो पाती है, सम्मान क्या है यही नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो हम इसको सम्मान समझ के ही करते हैं। अगर सम्मान हम ठीक ठीक समझ लेते हैं और हमारा जीना उसके आधार पर हो पाता है तो हम वैसा नहीं करेंगे। तो ये बात ध्यान में आती है कि बिना समझे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे में समझ सुनिश्चित हो जाएगी तो हम फिर सम्मान ही करेंगे। बहुत बढ़िया, अब अगर देखें ये जो हम अधिक आकलन कर रहे हैं या अन्यथा आकलन कर रहे हैं या अवमूल्यन कर रहे हैं, इसको करने से हो क्या रहा है? ये तो बात है कि भाई राइट इवेल्युएशन करना चाहिए, पर अभी जो हम ये ओवर इवेल्युएशन और अंडर और अदरवाइज इवेल्युएशन कर रहे हैं, इसको करने से हो क्या है? जब भी हम किसी का ओवर इवेल्युएशन करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति वो अपने नॉर्मल स्थिति में बना रहता है या वो ईगो में चला जाता है। नॉर्मल में बना रहता है तो एन लिख दीजिए, ईगो में चला जाता है तो ई लिख दीजिए। जैसे हमने उस बच्चे से कहा कि अरे तुम तो कुछ भी कर सकते हो, ये तो राजा बेटा है, क्या लगता है वो अपने अपने आप को दूसरे जैसे ही समझ रहा है या दूसरे से अलग समझ रहा है? तो वो दूसरे से अपने आप को अलग समझ रहा है कि मैं अलग हूं, ये अपने आप बच्चा जो है वो समझ रहा है। इसी तरह जब हमने पति से पत्नी से भी ये बात कह रहे हैं, जैसे पति अपना जो कुछ ऑफिस का काम कर रहे हैं, पत्नी आई कि भाई क्या हो गया,
कुछ फाइल नहीं मिल रही है, बताइए। मैं बोले जाओ, तुम नहीं समझोगी। अब ये जो तुम नहीं समझोगी हम कह रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? वो पत्नी जी आराम में है या परेशान है? वही पति जी आए किचन में, देखा पत्नी जी कुछ परेशान है, कुछ ढूंढ रही है, तो क्या बोले हमने? तुम नहीं समझोगे, जाओ भाई, आप नहीं समझेंगे, जाइए यहां से। ये क्या हो रहा है? तो इससे दिखता है कि परेशान हो गए। तो जब भी हम किसी का ओवर इवेल्यूएशन करते हैं तो वो व्यक्ति ईगो में चला जाता है। जब उस व्यक्ति के साथ अंडर या अदरवाइज इवेल्यूएशन होता है तो वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। वो अपने में ये दिखता है कि वो परेशान भी हो रहा है। अब किसी को आप दिन भर बोलिए भाई, या कभी भी आप बोलिए किसी को कि वो नालायक है, क्या लगता है उसको? बहुत मजा आ रहा है, वो आराम में है, या वो भी परेशान हो जा रहा है? वो ये सोचने लगता है, भाई क्यों ऐसा बोल रहे हैं ये, क्या हो गया? अभी तक तो ठीक था, अभी तक तो मैं राजा बेटा था, अब इसमें ऐसा क्या हो गया कि मुझे ये कहा जा रहा है? और हम अपने दिन भर के जो भी हमारी बातचीत है, हमारा व्यवहार है एक दूसरे के साथ, तो उसमें कितनी बार इस ओवर इवेल्युएशन, अंडर और अदरवाइज इवेल्युएशन कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा हम जांच परख के देखें। या मैं ये कह सकता हूं क्या कि दिन भर हम केवल यही कर रहे हैं, ओवर इवेल्युएशन, अंडर इवेल्युएशन और अदरवाइज इवेल्युएशन? और जब भी हमारी स्थिति इस तरह की दोलन की होती है, कभी ईगो में जा रहे हैं, कभी अवसाद में, तो एक जो ऐसे ईसीजी की रेस चलती है ना, वो उस तरह से वो चलने लगता है। और शुरू कहाँ से होता है? मेरे में कुछ गलत मान्यताएं शुरू हो जाती हैं, क्या हो गया ऐसा, या चाहे वो ओवर इवेल्युएशन के कारण हो रहा हो, चाहे वो अंडर और अदरवाइज इवेल्युएशन के कारण हो रहा है, कुछ गलत मान्यताएं मेरे में तय हो जाती है। उन गलत मान्यताओं के कारण मैं खुद में अव्यवस्था में आ जाता हूँ, खुद में परेशान हो जाता हूँ, वो परेशानी बढ़ते बढ़ते अपने में तनाव महसूस करने लगता हूँ, फिर लगता है कि अरे अब तो इस दुनिया में कुछ रखा नहीं है, क्या है, बहुत अपने में परेशान, फिर डिप्रेशन में चला जाता हूँ, लोगों से बातचीत करना बंद, अकेले में रहना शुरू कर देता हूँ, और कई बार ये जो बात बढ़ते बढ़ते आत्महत्या तक बढ़ जाती है। मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने, एक बार कानपुर में एक महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ एक बच्ची से टीचर ने बात की, तो वो पूरी बात करके जो बात निकल कर आई, तो वो ये निकल कर आई कि एक बच्ची थी, वो जो है उसका एक छोटा भाई था, एक बड़ी बहन थी, माता पिता थे, और अपने गांव में वो पहली बच्ची थी जो कंप्यूटर की पढ़ाई करने शहर गई थी। वो कोई थोड़ा इंटीरियर एरिया में थे और कानपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ाई करने आई बच्ची। तो पिताजी बहुत प्रसन्न हुए, हर किसी से जो है ये बात बताते थे कि मेरी बच्ची जो है वो तो नाम रोशन कर दिया है पूरे गांव का, पहली लड़की है जो कंप्यूटर की पढ़ाई करने गई है, शहर गई है, विदेश जाएगी, और इस तरह का सब कुछ बताते थे लोगों से, बच्ची से ही बताते थे कि तुमको जो चाहिए होगा वो मैं दे दूंगा, मैं तुमको विदेश भेजूंगा, तुम सबका नाम रोशन करोगी, और इस तरह से। अब क्या लगता है, वो बच्ची अपनी नॉर्मल स्थिति में रही होगी या ईगो में आ गई? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं एन और ई। बढ़िया, तो ये दिख रहा है कि भाई वो बच्ची अपने ईगो में आ गई। अब जो वो ईगो में आ गई, वो रिजल्ट उसका ठीक आया, और कि देखिए अब इसने तो टॉप किया है, अब तो इसको कोई रोक नहीं सकता है, और सब कुछ इस तरह का। जब वो छुट्टी में आई अपना, तो इस तरह से सब उस बच्ची के सामने लोगों को बताया। अब जब इस बच्ची को इस तरह से बताया, तो उसके सामने क्या ये भी कर रहे हैं जो उसका छोटा भाई है, ये क्या है, अरे ये तो नालायक है, तो कोई काम नहीं करता है, ये तो दिन भर खेलता रहता है, साइकिल चलाता है, ये वो। बड़ी बहन है, ये क्या, अरे ये तो बीए करनी है, अब देखिए क्या होता है, इनका तो शादी करनी है, इस तरह की सब बातचीत चल रही है उस बच्ची के सामने। अब जो छोटा भाई बड़ी बहन वो परेशान, सब काम हम लोग कर रही है, छोटी बहन कुछ नहीं कर रही। अब दोनों ने मिलके प्लान किया, ठीक है चलो इसको अभी कुछ जो है समझाते हैं। अब जब वो गई, अब उसको पिताजी और माताजी को कान भरना शुरू किया बड़ी बहन और छोटे भाई ने, कि
आपको पता ही क्या करती है, इसका फोन देखा आपने, कितने लोगों से बात कर रही है, किसका किसका फोन आ रहा है, आप लोग तो हम ही को डांटते रहते हैं, इसका तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, कल को कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है ये वो, इस तरह से बातचीत जो है वो शुरू की। अब माता पिताजी को लगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, तो फिर माता पिताजी ने बोले कि क्या थोड़ा डांट के रखो। अब बोले कि देखो ज्यादा नहीं उड़ो तुम, है ना, ध्यान से रहो, नहीं तो तुम्हारे जो है सब यहीं वापस बुला के यहीं पढ़ाएंगे तुमको। इस तरह का भी बिहेवियर उस बच्ची के साथ करने लगे। अब वो बच्ची जो है वो डिप्रेशन में आ गई। अब वैसा आते हुए उसका थर्ड सेमेस्टर का नंबर भी कम हो गया। और जब ये पूरी बात हुई तो उस बच्ची ने, जब वो टीचर से बात हुई और उसका उसको ये सब अपने में ध्यान दे पाई, तो वो बच्ची ये तक भी कही कि कई बार मेरी ये भी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं आत्महत्या ही कर लूं। अगर हम भी अपने पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ईगो और डिप्रेशन, अहंकार और अवसाद के इस चक्र में फंसे हैं, या दूसरे का इस तरह से, दूसरे के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, हमारी स्थिति भी और दूसरे की भी स्थिति इस तरह से बढ़ती है। जबकि ठीक क्या लगता है? ठीक तो यही लगता है कि भाई राइट इवेल्युएशन हो पाए, ठीक ठीक आकलन हो पाए, और अगर मेरा राइट इवेल्युएशन हो पाता है तो मुझ में स्वयं में विश्वास हो पाता है। जी, यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन भी ले सकते हैं हम लोग और साथ ही साथ प्रश्न भी ले सकते हैं। सामान्य तौर पर मैं ज्यादातर ऐसा करता हूं। सुषमा दास जी हैं जी, नमस्ते सुषमा जी। जी नमस्ते। आपका ये रिफ्लेक्शन है, सामान्य तौर पर मैं ज्यादातर ऐसा करता हूँ, तो कैसा असर? ईगो और मतलब ओवर और अंडर अदरवाइज इवेल्युएशन। जी। सर, आपने जो आज अभी बात करी है जो इवोल्यूशन की, कि वो हमारे परिवारों में और आसपास सब जगह इतनी मतलब नॉर्मली बिहेव होता है, उसकी भुगत भुगी मैं भी हूँ। जो एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही थी कि मैं सबको बताना चाहती हूँ, कि मेरी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी भी बहुत होशियार थी, तो क्लास में फर्स्ट आती थी, पर जब छोटी स्कूल जाने लगी 3 साल बाद, 4 साल बाद, वो उससे ज्यादा होशियार थी, वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आने लगी। तो जो छोटी बड़ी बेटी की जो तारीफ पूरे स्कूल में थी कि नेहा नाम है उसका, कि नेहा बहुत अच्छी लड़की है, नेहा दास ऐसी है वैसी है, डिबेट्स वगैरह करती है, 3 साल वो फर्स्ट क्लास से ही सब कुछ करने लगी थी एक्टिविटी में। तो पूरा स्कूल और टीचर्स भी उसपे यही कहने लगे कि तुम छोटी बहन से और सीखो। छोटी बहन को कोई ये नहीं कह रहा है कि बड़ी बहन से सीखो, परिवार में भी सभी लोग कि ये तो पूरे स्कूल में फर्स्ट रही है नेहा, तू इससे सीख। तो जो लड़की मेरी नेहा जो फर्स्ट आती थी, वो लगातार तुलना से और अवमूल्यन से इतनी पीछे रह गई कि वो क्लास में कोई रैंक नहीं लाती और उदास रहने लगी। तो मैं साइकोलॉजी पढ़ी हुई हूँ और मैंने उस कारणों को समझ के स्कूल में भी जाकर बात करके उसको सुधार किया, और घर में भी बात करके इस चीज में सुधार लाई, और दोनों बेटियां आज अच्छे मुकाम पे है। पर ये हमारे आसपास समझाना बहुत मुश्किल है कि अवमूल्यन या वो अधिक आकलन नहीं किया जाए, ये आज आपकी बात से मुझे महसूस हो रहा है। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम ये अपने में देख पा रहे हैं, अपने में जांच परख कर पा रहे हैं, ये मुख्य मुद्दा है। जी उदय राम जी नमस्ते। सर मेरी आवाज आ रही आ रही है, आ रही है, बताएं। है? सर मैंने अक्सर देखा है और परिचित लोगों के साथ, परिवार में भी अन्य लोगों के साथ, के जो बुजुर्ग अपने बच्चों के प्रति ऐसी भावना रखते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, तुम कोई काम के व्यक्ति नहीं हो, इनको बार 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 यदि टोकते हैं, टोका जाता है, तो वो व्यक्ति आगे जाके बहुत अच्छी अपनी पोजिशन बना लेते हैं। जी मैंने अपना अनुभव किया है और मैंने देखा भी वातावरण में हर जगह। और जिनकी जो तारीफ करते हैं, पहले तारीफ की और बाद में जब उन्होंने तारीफ की तो वो अपने वर्क से पीछे हट जाते हैं कि भाई अब क्या करना है मेरे को, अब तो सब ठीक है और मैं बहुत अच्छा हूँ, तो वो बात में फेल हो जाते हैं। ये मैंने अनुभव किया है। जी तो ये बात तो आपकी ठीक है, ऐसा तो दिखाई देता है कि समाज में किसी का अगर हम अपमान कर देते हैं तो कई जी बार जी वो कसम खा लेता है कि अब हमको ठीक से रहना है और अच्छा कुछ कर हाँ लेता है। ये जी बात जी तो ठीक है। तो क्या केवल ऐसा अच्छा करना अपमान से ही हो सकता है, या सही समझ
उस बच्चे तक, उस व्यक्ति तक अगर सही समझ भी पहुंचा दिया जाता तो वहां से भी वो ठीक कर लेता। वो असली में क्या है सर कि लोगों की बोलने की जो भावना है वो अलग अलग प्रकार की प्रकृति है। कई लोग अच्छी भावना से उनको बोलते हैं और कई लोग समझाइश दे के उसको गलत शब्दों से मतलब इस प्रकार से मतलब प्रताड़ित करके बोलते हैं। उनके मन में ये भावना आती है कि ये इसको हम यदि कठोर इसको अभी से बना देंगे तो आगे जाके हमारा बच्चा या हमारा भाई या हमारी बहन सुदृढ़ हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी, हर क्षेत्र में उसको एक हेल्प मिलेगी। और अगर हम इसको हल्के शब्दों से लेंगे तो हल्के शब्दों में हो सकता है कभी कभी, जैसे ये कहे अपन छोटा सा उदाहरण लें, जैसे कुम्हार एक घड़े को बनाता है तो अंदर से तो वो अपने सहलाता है, एक हल्का सा हाथ रखता है, लेकिन ऊपर से एक चोट भी मारता है। तो कई परिवारों में मैंने ये देखा मैं, है। मैं यहीं रोकूंगा। अब देखिए, जो जी, कुमार है और घड़ा घड़ा है, वो एक जो घड़ा है वो एक जड़ इकाई है, मानव एक चैतन्य इकाई है। जी, तो हम जड़ इकाई को चैतन्य इकाई से मिलाना ये थोड़ा काम ठीक नहीं है मुझे लगता है, जी, 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 है ना। और जो आप जैसे मैं कहूं कि आपके परिवार में जो भी बच्चे हैं या पति पत्नी है या जो भी लोग हैं, आपको किसी को बताना है और आपके पास ये दोनों ऑप्शन है कि सही समझ के भी बताया जा सकता है और डांट फटकार करके भी बताया जा सकता है, जी, जी, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? मैं तो सही हिसाब से बताता हूँ कि बेटे इसको ऐसा करना चाहिए। तो अगर अगर जी तो अगर सही समझ हम समझ पा रहे हैं, उसके अधिकार पर जी पा रहे हैं, तो हम वो वही सामने व्यक्ति तक जो है दूसरे व्यक्ति तक उस तक पहुंचाएंगे। अगर हम उसको नहीं देख पा रहे हैं तो हमको लगता है कि डांटना मारना फटकारना ये इससे होगा। वो कभी कभी सर ऐसा मौका भी आता है कि अगर बालक को सहजता में समझ में नहीं आता तो उसको कभी अपनी आंख भी बताना पड़ती है, अरे तुम गलत कर रहे हो, नालायक हो तुम और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तो थोड़ा सा कभी कभी नरमी गर्मी भी परिवार में रखना पड़ता है। जब जब आप वो गर्मी कर रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, उस समय आप अपने आप में आराम में हैं या परेशान हैं, क्या लगता परेशान है? में आप परेशान रहना आपको सह स्वीकार है? नहीं स्वीकार। तो फिर तो इस बात को देखना होगा कि भाई वो परेशान रहना तो सह स्वीकार नहीं है। तो नहीं, उस टाइम पर केवल आग दिखाना ही ऑप्शन था या कोई और भी ऑप्शन थे उस टाइम जिसको मैं ले प्यार, सकता? प्यार का ऑप्शन था और प्यार के ऑप्शन से कभी कभी क्या है कि समय का जो परिवर्तन है वो परिवर्तन होता रहता है। तो कभी कभी ऐसी कोई परिस्थिति सामने घटित जाती है जो उस समय अपने को थोड़ी सी भावना को उत्तेजित भावनाओं में बात करना पड़ती है। कई बार ऐसे जिंदगी में मोड़ आए हैं और आते रहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में मोड़ आते हैं। आप कब आंख दिखाते हैं या गुस्सा होते हैं? जब आप अपने आप में, जब आप में अंतर विरोध चल रहा होता है या व्यवस्था चल रही होती है? नहीं, अंतर विरोध। तो दिखता है कि भाई अगर जब मेरे में अंतर विरोध चल रहा है तब मैं बच्चे को, हो सकता है छोटी गलती है तो उसको डांट भी दिया, मार भी दिया, लेकिन जब अपने में व्यवस्था चल रही होती है तो बच्चा बड़ी गलती भी कर दे रहा है तो मैं आराम में बना हुआ हूँ। हाँ, बिल्कुल 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 सही। तो अभी क्या है, हम बहुत सारा जो दोष या दोषारोपण है वो परिस्थिति को भी दे देते हैं कि जी, जी, परिस्थिति ने ऐसा किया। जी, परिस्थिति ने ये तो कह सकते हैं कि भाई हमको कुछ ध्यान आकर्षित किया, कुछ ट्रिगर किया, पर जलना है कि नहीं जलना है वो तो हम ही तय करते हैं। मैं एक उदाहरण देकर आगे बढ़ता हूँ। जैसे गैस होता है ना, गैस में हम लाइटर लगा रहे हैं जी सर, तो वो गैस जो है वो जल जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि लाइटर से गैस जल गई। लेकिन अगर गैस सिलेंडर खाली है तो क्या गैस जलेगी? नहीं जलेगी, कितना भी लाइटर दिखाएं। जी, जी, जी। तो इसी तरह जब सामने वाला व्यक्ति जब ट्रिगर कर रहा है जी, तो ये तो हो सकता है कि वो कुछ ट्रिगर कर रहा हो, पर अगर हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो हम ये नहीं तय कर पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जी, लेकिन अगर हमारा खुद पे ध्यान बना हुआ है तो फिर हम ये तय कर पाते हैं कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या मुझे सहज स्वीकार है, क्या करने से मैं आराम में बना रहूंगा, मैं वो कर पाता हूँ। जी, इसमें इसमें सर थोड़ा सा मेरी ये सोच है कि जब व्यक्ति को गहराई का अनुभव होगा, जब वो अनुभव में परिपूर्ण लगभग होगा, तो ये व्यवस्थाएं आगे वो धीरे धीरे करेगा और मैं भी करूंगा, करता रहूंगा। ये बात आपकी बिल्कुल वास्तव में सत्य है और इसी को सभी लोगों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है।
तो हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये ध्यान में आता है कि अगर ओवर अंडर और अदरवाइज इवेल्युएशन कर रहे हैं तो हम भी आराम में नहीं रहते हैं और दूसरा जो जिस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं वो भी बहुत आराम में तो नहीं रहता। अब जो सही आकलन करें तो उसका आधार क्या होगा? उसका आधार सेल्फ होगा या बॉडी होगा? आप चैट बॉक्स में लिख दें, रिफ्लेक्शन एक नहीं लेंगे, चैट बॉक्स में लिख दें सेल्फ होगा या बॉडी। सेल्फ है तो एस लिख दें, बॉडी होगा तो बी लिख दें। बढ़िया, तो ये बात तो अगर यहाँ पर रिफ्लेक्शन लेते तो ये तो 100% जो है वो ये दिखता कि भाई सभी लोग ये कह रहे हैं कि सेल्फ के आधार पर करना ठीक होगा। बहुत बढ़िया। अब जब सेल्फ के आधार पर आकलन करने जाएं, ठीक है अभी रुक सकते हैं चैट बॉक्स में। अब जब सेल्फ के आधार पर आकलन करने जाएं तो क्या बात ध्यान में रख सकते हैं? मैं सुखी होकर समृद्ध होकर जीना चाहता हूं। केवल मैं ही जीना चाहता हूं या दूसरा व्यक्ति भी जीना चाहता है? केवल मैं ही जीना चाहता हूं तो M लिख दीजिए, दूसरा व्यक्ति भी जीना चाहता है तो D लिख दीजिए। बढ़िया, तो ये दिखता है कि दूसरा व्यक्ति भी जीना चाहता है सुखी होकर समृद्ध होकर, यानी हमारा लक्ष्य एक समान है। मेरा लक्ष्य और सामने वाले मानव का लक्ष्य एक ही है, लक्ष्य में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेल्फ के आधार पर अगर देख रहे हैं तो लक्ष्य एक ही है। अभी हम लोग कहते हैं कि लक्ष्य अलग है हर एक मानव का, कुछ अलग अलग करना चाहता है, पर यहाँ तो दिखाई दिया कि भाई मैं भी सुखी होकर समृद्ध होकर जीना चाहता हूँ, सामने वाला मानव भी सुखी होकर समृद्ध होकर जीना चाहता है, लक्ष्य तो एक ही दिखाई देता है। ठीक, बढ़िया आगे चलते हैं। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यक्रम क्या होगा? तो ये दिखाई दिया कि भाई सभी चार स्तर जहां पर मानव जी रहा है, खुद के साथ, प्रकृति, परिवार में, समाज में और प्रकृति और अस्तित्व में, अगर उसको समझ के उसके आधार पर जीता है तो मानव का जो लक्ष्य है वो पूरा हो पाता है। ऐसा सिर्फ मेरे लिए होगा या दूसरे के लिए भी होगा? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं M और D। अगर मेरे लिए होगा ऐसा सिर्फ, दूसरे का कुछ और कार्यक्रम है तो वो बता दें। अगर मेरे लिए भी यही है, दूसरे के लिए भी यही है, तो आप लिख दें चैट बॉक्स में। बढ़िया, तो ये दिखता है कि दूसरे का भी कार्यक्रम यही है। अगर क्षमता की बात करें, क्षमता को देखने जाएं, जैसे मुझ में कल्पनाशीलता है, इच्छा, विचार, आशा, डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, ये चल रही है और ये दिखता है कि निरंतर चल रही है, और मैं अगर ध्यान दे पाता हूँ तो उसको सहज स्वीकृति के आधार पे भी चला पाता हूँ, सहज स्वीकृति मेरे में भी है। सहज स्वीकृति सिर्फ मेरे में ही है या दूसरे मानव में भी है? क्या लगता है? मेरे में है तो M लिख दीजिए, दूसरे में भी है तो D लिख दीजिए। बढ़िया, तो ये दिखता है कि सहज स्वीकृति तो मेरे में भी है और दूसरे मानव में भी है, यानी ये बात ध्यान में आती है कि मेरा लक्ष्य दूसरे मानव के लक्ष्य, मेरा लक्ष्य दूसरे मानव का लक्ष्य एक ही है, मेरा कार्यक्रम और दूसरे मानव का कार्यक्रम एक ही है, मेरी क्षमता और दूसरे मानव की क्षमता एक ही है। क्या इस आधार पर इस बात को कहा जा सकता है कि दूसरा मेरे जैसा ही है? क्या ये कहा जा सकता है कि दूसरा मेरे जैसा ही है? सम्मान का जो न्यूनतम भाग है वो यही है कि दूसरा मेरे जैसा ही है। ठीक, यहाँ पर हम लोग एक दो प्रश्न भी जो है वो ले सकते हैं। तृप्ति शर्मा जी हैं, नमस्ते तृप्ति जी। यहाँ पर हम लोग आप लोगों से कुछ रिफ्लेक्शन, अगर आप लोग कुछ बात रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं आप भी।
जी नमस्ते। नमस्ते तृप्ति जी, बताइए। हाँ जी, दरअसल अभी जो बात चल रही थी कि हम बच्चे को या घर में फैमिली मेंबर को किसी को या तो बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण बोल देते हैं या उसे हम मनुष्य भी नहीं रहने देते। खैर हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना कोई इतना ज्यादा किसी की तारीफ करता ना इतना वो करता, लेकिन एक बात हो रही है यार, भी कुछ दिन से मैं ये चीज चेक कर रही हूँ कि कई मदर फादर अपने बच्चों की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं या बहुत ज्यादा वो बोलते हैं। तो हम जो अब जैसे मैं अपनी बेटी की नहीं करती इतनी, मैं उसको केवल बोलती हूँ आपने ये गलत किया, ये सही किया, आपने ऐसा क्यों किया, उसे समझाकर उस वे में सब चीजें बोलती हूँ, तो वो सुनती है, सुनती थी, और फिर धीरे धीरे उसने ये कहना शुरू किया कि सब लोग तो अपने बच्चों की इतनी तारीफ करते हैं, आपको कभी वो ही नहीं होता, आपको कभी हम कुछ अच्छा ही नहीं लगता, आप तो हमेशा समझाती ही रहती हो। हमने बोला आप बाहर रहती हो, बाहर रहने पर हम ही नहीं समझाएंगे तो हम क्या पड़ोसी को समझाएंगे क्या, जब आपको नहीं समझाएंगे तो दूसरे के लिए तो हर चीज अच्छी होती है। तो इस तरीके से कई बार, लेकिन अब इससे ये होता है कि अपनों से दूर हो जाते हैं, वो झूठी तारीफ या मतलब जो उनका उस तरीके से सपोर्ट करते हैं, अरे अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने ये अचीव किया वो अचीव किया, मीन्स जो बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, या दूसरे अपने मदर फादर अपने बच्चे के लिए बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, वो उनको देखकर अपने मदर फादर को ये समझने लगते हैं कि हमारे मदर फादर हमारे दुश्मन है, ये हमको अच्छा नहीं समझते या ये हमारी तारीफ नहीं करते जैसे और अपने बच्चों की करते हैं। ये कई चीजें बीच में आ रही हैं आजकल। जी, अभी देखिए क्या है कि हम बहुत तारीफ नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरा मुद्दा है। एक मुद्दा यह भी है कि हम तारीफ ही नहीं कर रहे हैं, हमने बात ही करना बंद कर दी, ये दूसरा मुद्दा। ऐसा कहाँ करता है कोई अपने बच्चे के पास, हाँ ऐसा भी नहीं कहता कि तुमने तो सब कुछ हासिल कर जी, लिया। मैं आपका मैं प्रश्न समझ गया तृप्ति जी, आपका आपका जो कंसर्न है और वो काफी जेन्युइन कंसर्न है ये। अब हम एक ये भी करते हैं कि हमारे बीच में जो भी संवाद हो रहा है वो सिर्फ सुविधा को लेकर ही हो रहा है कि भाई आपको क्या पैसा चाहिए, आपको कौन सी किताब चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या कपड़ा चाहिए। आप जी देखिए ना, कभी क्या हम इस बारे में बात कर पाते हैं घर परिवार में, क्या हम अपने परिवार में सभी का सम्मान कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम अपने परिवार में सभी एक दूसरे का विश्वास कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या। एक समय था मेरी बेटी ना एक एक बात बताती थी कॉलेज की और उसकी किस फ्रेंड ने क्या बोला, तो लोगों ने ये कह कहकर तुम अपनी मम्मी को बता रही हो सारी बातें, तुम अपनी मम्मी की नजरों में अपनी इज्जत कम कर रही हो, तो धीरे धीरे मतलब उसे परिवार विरोधी टाइप से, जैसे वो बोलते हैं ना घर में चीजें ना बताना या कुछ, या मतलब कुछ अजीब सा, मतलब अब उसे ये लगने लगा है कि हम सब जो है जो बोल रहे हैं वो गलत है, बाकी जो फ्रेंड सर्कल है या उनके मम्मी पापा जो कर रहे हैं वो सब ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए ऐसा करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए वैसा करते हैं, वो अपने बच्चों से ऐसा नहीं बोलते, आप ही की अकेले के बच्चे हैं क्या, औरों के बच्चे नहीं है क्या, वो तो ऐसा करते हैं। इस तरीके की कन्वर्सेशन सब उसकी तरफ से ज्यादा आने लगी है, पहले नहीं आती थी ये। जी, जब भी हम बच्चों के साथ बात कर रहे हैं तो जी हमको क्या लगता है, जब हम दूसरे के साथ या कोई दूसरा हमारे साथ बात करे तो किस विधि से करे, वो आदेश विधि से करे, उपदेश विधि से करे या प्रस्ताव विधि से करे, क्या ठीक लगता है आपको। मेरे ख्याल से तो प्रस्ताव होता है कि हाँ भाई ठीक ये ठीक प्रस्ताव विधि अगर ठीक लगे, बच्चे के साथ जब बात करने जाए तो बच्चे को कौन सी विधि ठीक लग रही होगी। बच्चे तो आजकल ये चाहते हैं उनसे कुछ ना बोला जाए ठीक है और जब जब जॉब लग जाती है तो वो ये सोचते हैं कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ तो मैं इतनी बड़ी कंपनी चलाती हूँ, तो क्यों क्या इतनी भी अकल नहीं है क्या, और वो दिख रहा है हमको कि गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। अभी देखिए, हमको जब हम जब बच्चे थे तब भी हमको प्रस्ताव विधि ठीक लग रही थी, अभी जवानी हो गई है या 40-50 साल उम्र हो रही है तब भी हमको प्रस्ताव विधि ठीक लगती है, बुढ़ापे में भी प्रस्ताव विधि ठीक लगेगी। तो इसी तरह जो दूसरा मानव है, जो बच्चे हैं या दूसरा व्यक्ति है, बच्ची है, उसको भी प्रस्ताव विधि जो है वो ठीक लगती है, ऐसा दिखता है। जी अभी जी हम जो बातचीत हो रही है परिवार में वो प्रस्ताव विधि से नहीं हो रही है, वो आदेश विधि से, उपदेश विधि से हो रही है। और जब भी आदेश और उपदेश विधि से बातचीत होती है
तो वो चर्चा बहुत आगे चल नहीं पाती है। एक समय के बाद या तो व्यक्ति एक दूसरे को जवाब देते रहते हैं या एक समय के बाद वो जवाब देना बंद कर देते हैं, और लेकिन अंदर जो सेल्फ में अपने में जो है वो चलता रहता है। लेकिन अगर जब भी बात प्रस्ताव विधि से चलती है तो एक अच्छा संवाद, एक हेल्दी जो कम्युनिकेशन है, एक अच्छी चर्चा वो हो पाती है। हम इसको अपने परिवार में देखें कि हमारे परिवार में किस तरह से बात हो पा रही है। जी ठीक है तृप्ति जी, ये बात जी ठीक, बढ़िया। तो ये दिखता है कि हमारा जो लक्ष्य है, कार्यक्रम है और क्षमता है, ये एक ही दिखाई देते हैं। लेकिन अभी हम अपने आप को दूसरे के जैसा महसूस कर पा रहे हैं, दूसरे के जैसा देख पाते हैं, या अभी हम अलग देखते हैं कि हम शरीर के स्तर पर अलग हैं, हम सुविधाओं के स्तर पर अलग हैं, हम मान्यताओं के स्तर पर अलग हैं, अपने आप को हम अलग मानते रहते हैं। क्या लगता है, हम दूसरे को अपना जैसा स्वीकार कर पाते हैं या दूसरे को अपने से भिन्न मानते हैं? अभी आप देखिए ना, जब बच्चा शुरू शुरू में वो खुद से बाल कटाने गया तो उसके बाल की स्टाइल कैसी है, या हम लोग तो ये बात है जब बच्चा फर्स्ट ईयर कॉलेज में आया तो उसके बालों की स्टाइल कैसी है, चौथे साल तक कैसी है। क्या हम बच्चे को ये फोकस तो नहीं कर रहे कि आप यूनिक हो, आप अलग हो, आपको दुनिया में अलग बनना है कुछ? हमारा प्रयास किस तरफ रहता है, दूसरे को अपना जैसा स्वीकारने का प्रयास करते हैं या अपने को दूसरे से भिन्न प्रदर्शित करने का प्रयास करते रहते हैं? जैसे कि मैं एक कपड़ा, एक साड़ी, एक सूट, एक कोट पैंट पहन के किसी प्रोग्राम में गया, दूसरा भी ऐसे ही हो गया, तो मैं आराम में आता हूं कि परेशान हो जाता हूं? ये एक सुविधा हो गई। सुविधा के आधार पर भी जब सिमिलैरिटी देखते हैं तो कुछ आराम में रहते हैं या परेशान रहते हैं। हम सामने वाले व्यक्ति को मानव स्वीकार कर पाते हैं या हम केवल उसकी सुविधा के आधार पर ही उसको स्वीकार करते हैं? यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन ले सकते हैं आप लोगों का और एक प्रश्न भी ले सकते हैं। जीने में क्या मैं आमतौर पर अपने सामान ही अन्य को स्वीकार करता हूं या दिखाने की कोशिश करता हूं कि मैं अन्य से अलग हूं? जी, अगर किन्हीं साथियों का कोई एक प्रश्न है तो ले सकते हैं, छोटा सा प्रश्न ले पाएंगे क्योंकि तो समय भी लगभग हो ही गया है। बढ़िया, तो ये दिख रहा है कि अपने से दूसरे को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग ये भी है कि भाई मैं स्वीकार भी कर पाता हूँ अपने को, दूसरे को अपने जैसा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मैं दूसरे से अलग दिखने की कोशिश करता हूँ। बढ़िया, तो यहाँ पर हम लोग एक क्विज ले लेते हैं। जो चर्चा अभी तक हुई है इस पर एक क्विज है, और क्विज के बाद फिर ब्रेक कर लेंगे 1:30 बजे, और फिर 3 बजे से इस सत्र को अभी आगे बढ़ाएंगे। अभी सम्मान की चर्चा खत्म नहीं हुई, अभी तो हमने राइट इवेल्युएशन की बात की ही नहीं है, अभी तो केवल प्रोग्राम पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल की बात की, अभी कॉम्पिटेंस नहीं आया है, अभी सामने वाले की योग्यता नहीं आई है, मेरी योग्यता नहीं आई है, इसकी चर्चा हम लोग 3 बजे से करेंगे। जी, अगर हम लोग किसी का कोई प्रश्न है या कोई ऑब्जर्वेशन है या इस 1-1.5 घंटे में कोई बात ध्यान में आई, वहां से शुरू करें, चर्चा कर लें, तो अगर हमारे किन्हीं साथियों का कोई शेयरिंग है या कोई ऑब्जर्वेशन है। जो लोग अपनी बात अगर अभी तक नहीं रख पाए हैं तो आप अभी रख सकते हैं, आप हैंड रेज करें, आपको इधर से माइक प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
जी जी प्रियानंद सर का हैंड रेज है। सर नमस्ते, स्वागत है। नमस्ते परिचित जी। जी नमस्ते, नमस्ते। मैं ये कहना चाहता हूँ सत्र अच्छा चल रहा है ये परिवार और रिश्तों को लेकर, जिसमें ये दो बातें कही गई हैं, विश्वास और सम्मान, ये संबंध और रिश्तों को लेकर। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम कोई पेड़ पौधा रहता है, पौधा होता है, पौधे में जो बीज होता है वो विश्वास है। मतलब ए और बी में कोई संबंध या विश्वास रखना, तो बीज बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है। और जब पौधा बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो उसको पानी और धूप देना पड़ता है, तो सम्मान उसकी तरह काम करता है। यदि आपको किसी रिलेशन को, किसी संबंध को काफ़ी लंबे समय तक चलाना है, एक दिन, दो दिन, 18 दिन, कई सालों तक चलाना, तो सम्मान एक दूसरे में प्रति लगातार बना रहना चाहिए। ये मेरा कहना है, ये मानना है, ये कहाँ तक सही है मतलब जी? तो आप ये बात कह रहे हैं कि जो आनंद जी ये बात कह रहे हैं कि जो विश्वास है वो बीज की तरह है, जो जोड़ता है, जो जोड़ता है, फिर जैसे जैसे और आगे बढ़ते हैं तो सम्मान और बाकी भाव हैं। अभी देखिए, हम किसी से तुलना करके उसको समझ जाएं, एक ये मुद्दा है। एक मुद्दा ये है कि हम सीधे सीधे अपने में इन भावों को देखें। अच्छा, हम ठीक है, हम इसकी तुलना कर सकते हैं कि भाई हम तुलना इसकी बीज से कर दें। एक इमारत बन रही है तो इमारत में कह दें कि भाई ये पिलर का काम कर रहा है, फिर इस पर पहली मंजिल है, फिर दूसरी में, ऐसा सब हम कह तो सकते हैं। और यहाँ से हम लोग भी इस बात को रखते ही हैं ताकि आप तक वो बात पहुंच पाए। अच्छा, पर इससे भी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि हम सीधे सीधे विश्वास के भाव को अपने में देख पाए, उसको सुनिश्चित कर पाए। समझने के लिए तो ये ठीक है कि आप अगर विश्वास को समझना चाह रहे हैं अपने में, तो इस तरह के उदाहरण लेकर समझ लें। पर जब जीने जाते हैं तो वहां ये उदाहरण बहुत काम नहीं आते जी। वहां तो सीधे सीधे हमको देखने की जरूरत है। तो इसीलिए अगर हम सीधे सीधे देख पाते हैं कि भाई विश्वास क्या है, क्या मैं अपने घर में सभी लोगों के प्रति निरंतर विश्वास का भाव बना हुआ है, निरंतर विश्वास का भाव बना है, यानी कि एक क्षण के लिए भी मुझे गुस्सा, क्रोध, विरोध का भाव नहीं आता है, इसको हम अपने में जांच परख करें। अगर आता है तो चर्चा करें परिवार के सदस्यों से। वही मैं कहना चाहता हूँ, ट्रस्ट बेहद जरूरी है किसी संबंध के लिए। ट्रस्ट शुरुआत करता है। ठीक बात है। एकदम ऐसे किसी अजनबी से मिलो या किसी रिश्तेदार में मिलो, जब तक एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं हो तो हम एक दूसरे मन की बात कह भी नहीं पाते और वो सुन भी नहीं पाता। और जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ता है तो हम संबंध बढ़ते भी हैं, और संबंध जब बढ़ते हैं तो फिर सम्मान का रोल आता है। हमको एक दूसरे की बात को रखना भी है, मानना भी है, कमिटमेंट जो की है वो सम्मान भी रखना, ये सब, ऐसा मेरा मानना है। ठीक बात, ठीक। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ज्योत्सना सूद जी हैं। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा लेट जुड़ी हूँ, मुझे क्वेश्चन नहीं पता क्या। नहीं, हम लोग तो अभी जो है वो शेयरिंग या कोई अगर बात आपको इस 1-1.5 घंटे में ध्यान में आई तो वो आप अभी तो नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं पूछना चाहती, बस ठीक, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि मैं ठीक चल रही हूँ आपके साथ। चल रही है, ठीक है, थैंक यू। परीक्षित भैया एक मिनट लगा। जी जी भैया, और भी साथी हमारे अगर तो अपनी शेयरिंग रखना चाहें, अभी तक की जो भी चर्चा हुई उसको देखते हुए, आज परिवार पे हम चर्चा कर रहे हैं, आप लोग, आप में से काफी साथी हमारे परिवार के साथ भी अगर जुड़े हैं तो इन प्रस्तावों को लेके अगर परिवार में कोई चर्चा हुई हो, आपके परिवार के कोई साथी अगर जुड़े हों वो अपनी कोई बात रखना चाहें तो उनको भी सुनना चाहेंगे। सभी ये पारिवारिक चर्चा ही समझते हम लोग इसको,
मानते हैं जी। मेरे साथ श्री कमल सिंह जी हैं एंड सर जी। कमल भैया नमस्ते। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, प्लीज गो अहेड जी। सर नमस्कार। नमस्ते सर। मैं ये बोल रहा था कि विश्वास अपन करते हैं लोगों पे। हेलो। जी सर, जी सर विश्वास तो करते हैं, लेकिन क्या है कि विश्वास में धोखा बहुत होता है जी। अपनी भावनाएं रहती है मदद करने की जी, हम मदद करते भी हैं, लेकिन हमारी मदद जो विश्वास करके की जाती है उसका क्या है कि सदुपयोग नहीं होता, वहां हमारी आत्मा को ठेस पहुंचती है जी। फिर हमारा मन होता है कि अब ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर हम उन कुछ समय पश्चात फिर हम उन भावनाओं में बह जाते हैं और फिर विश्वास करने लग जाते हैं लोगों पे। तो कैसा क्या करना चाहिए सर? विश्वास करते रहना चाहिए क्या? हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। आपकी बात बिल्कुल समझ पाए और ये प्रश्न और भी बहुत से साथियों मन में हमारे बन रहे होंगे, तो इसको मैं भैया एक एग्जाम्पल से लेके बताने का प्रयास करता हूँ और हम सभी लोगों के साथ ये घटनाएं होती रहती हैं जी। यस। अब मान लीजिए मुझे सफर पे जाना है जी, मैं अपना सामान पैक किया और सामान अपना बैग लेके स्टेशन पे पहुंचा। अब मुझे पता है कि सभी पे विश्वास करना चाहिए, सभी पे मुझे विश्वास है। मुझे प्यास लगी, मैंने अपना बैग वहीं सिटिंग चेयर पे छोड़ा और पानी पीने चला गया। या ट्रेन में मैं बैठा भी हूँ तो मुझे चाय पीना था, मैं स्टेशन पे गाड़ी रुकी, मैं ट्रेन से उतरा, चाय पीने चला गया। 15-20 मिनट आधी घंटा ट्रेन रुकी थी तो मैं 15-20 मिनट बाद फिर वापस आया और वापस आके मैं देखता हूँ तो मेरा बैग वहां से नदारद। लेकिन मैं ये तो नहीं करूँगा भैया, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अगर सफर पे जा रहा हूँ और अगर अकेले सफर कर रहा हूँ तो मैं अपना बैग भी लेके जाऊंगा, एक चेन भी लेके जाऊंगा बैग के साथ, बैग को उस चेन के साथ वहाँ सीट के साथ उसको लॉक भी करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इंटेंशन पे डाउट नहीं है। मुझे पता है कि प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, सुखी रह के सुखी करना चाहता है, कर नहीं पा रहा। तो यहाँ पे बात वही बार बार सोच प्रश्न ध्यान दिलाने के प्रयास कर रहे हैं कि ये योग्यता का प्रश्न है। सामने वाला अभी जिस चीज में खुशी देख पा रहा है, सुख देख पा रहा है, वो कर रहा है। तो अगर हम फिर से अगर जांच परख करेंगे, विचार करेंगे, तो हमने शायद योग्यता को जी देखा और इंटेंशन मान लिया जी। इतनी सी बात मैं कहेंगे, थोड़ा सा आपको ये ओपन रखना चाहूंगा प्रश्न को कि आप स्वयं इस चीज को और विचार करें कि सर नहीं जी, मैं भी क्या सदैव सभी को सुखी कर पाता हूँ? नहीं जी। तो बस सेम जैसे मैं हूँ वैसे सामने वाला भी है। सर मेरे यहाँ सर मेरे यहाँ पे आसपास जो अपने जो निकट के लोग हैं सर जी, मैं उनसे उस संबंध में बोलना चाहता हूँ, जो निकट के रादिन देखे वाले हैं है ना, जो अपने परिचित है, मैं उनकी बात करना चाह रहा था सर। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बस तो एक ही बात कहेंगे, ये जो आपने सफर वाली बात है या परिचित करना नहीं चाहते या कर नहीं पाए, बस इतनी सी बात है। मैं तो अपने लिए ये देखता हूँ, आपसे मैं भी कहूंगा थोड़ा सा इसको फिर से एक बार विचार करें कि वो आपको सुखी कर नहीं पाए या करना चाहते ही नहीं है, इतनी सी बात है बस। जी जी भैया ठीक ठीक है। अगर जो परीक्षित भैया बात रख रहे थे, अगर मैं उसी से ये बात आप कह रहे हैं जी सर, मैं परिचित के लिए कह रहा हूँ, मैं जो अपने परिचित रात दिन साथ में रहते हैं उनकी मैं बात बता रहा हूँ सब जी। जी परीक्षित भैया जो बात कह रहे थे वो ये ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैं सामने वाला एक बार जो है मैं घर आया और पत्नी जी ने बोला कि ऐसा है कि थोड़ा ये दूध है, दूध उबाल दीजिए, और वो कुछ अपना काम कर रही थी, शाम का टाइम था, मैं कहा ठीक है। तो मैं दूध उबालने लगा तो ऐसे सूरज ढलता है तो हमारे पीछे थोड़ा किचन के उधर थोड़ा सा ऐसा गार्डन जैसा है कुछ, वहाँ पे चिड़िया और सारा कुछ आती है, पानी रखा है, पानी पीती है, इस तरह का कुछ बना है वहाँ।
तो चिड़िया जो है वो पानी पी रही थी और उसमें पानी से कुछ कुछ निकाल रही थी, इस तरह का कुछ कर रही थी, मेरा वहां ध्यान हो गया। अब जब वहां ध्यान चला गया तो वो दूध कब उबला मेरा उधर ध्यान नहीं गया, तो और इतने में पत्नी जी आई और वो दूध उबल गया, बोली पूरा दूध गिरा दिया। अब क्या है, मैं दूध गिराना चाहता तो उसको गैस पे क्यों चढ़ा के गिराता जी, ऐसे ही गिरा देता। हाँ जी, तो गिराना चाहता था या ध्यान दूध की तरफ नहीं दे पाया इसलिए वो गिर गया? सर ध्यान नहीं दे पाए सर, ध्यान नहीं दे पाए। तो ये मुद्दा ये है कि अगर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कल्पनाशीलता में कुछ और चल जा रहा है उस टाइम पर, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो गड़बड़ी हो जा रही है। मैं अपने लिए ऐसा यहाँ पर ये, जी जी सर, यहाँ पर ये बात आ रही है कि हम भावनाओं में भेज जाते हैं सर सामने वाले की बातों में, और कल्पना नहीं कर पाते या उसको जान नहीं पाते सर, मैं ये समझ रहा हूँ। भावनाओं में बह जाते हैं या अपनी कल्पनाशीलता को देख नहीं पाते, क्या कहना ठीक है? हाँ, यहाँ अपनी कल्पनाशीलता ही इसको बोलेंगे सर, या भावनाएं, भावनाओं में बहकर हम अपनी कल्पना को समझ नहीं पाए कि हम जो इसके साथ जो विश्वास कर रहे हैं वो विश्वसनीय है कि नहीं है। ठीक बात है। तो अगर हम अपने प्रति अवेयर रहेंगे, अपने प्रति जागरूक रहेंगे, तो हम ये देख पाएंगे कि भाई मैं क्या चाहता हूँ, सामने वाला क्या चाहता है, उस आधार पर जी पाते हैं। अभी तो ऐसा कहा ही जाता है कि बेहोशी में जीवन जी रहे हैं। जी जी, अपने प्रति जागरूक तो है नहीं, अपने प्रति जागरूक मतलब अपनी कल्पनाशीलता को नहीं देख पा रहे हैं। जब नहीं देख पा रहे हैं तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये तय नहीं है, गड़बड़ी हो जाती है। फिर बाद में कभी ध्यान आता है कभी नहीं भी आता है कि गड़बड़ी हुई। जी, ये कुछ बात हम लोग पहुंचा पाए आप तक? जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद। गजेंद्र जी हैं, नमस्ते गजेंद्र जी। नमस्ते सर, नमस्ते, धन्यवाद सर। सर दो बातें कहना चाह रहा हूँ मैं। पहली बात तो ये विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि सम्मान शब्द को आपने आज बहुत खूबसूरती के साथ परिभाषित किया है। सम्मान यानी सम्यक रूप से मान देना, समानता के भाव से मान देना, हम इस पर समझ ही नहीं पाते थे और हम बड़ा चढ़ाकर किसी की तारीफ करने को सम्मान समझ लेते थे और स्वयं भी वही सम्मान चाहते थे। तो आज यह सम्मान शब्द को बहुत अच्छे से हम समझ पाए। दूसरा सर एक प्रश्न है मेरा कि जैसे मैंने किसी सहकर्मी को पैसे उधार दिए और फिर उसने वो पैसे मुझे लौटाए नहीं, मैंने उसे कई बार कहा भी, फिर मैंने कहना छोड़ दिया एक वक्त पर, उसके बाद वो साल भर बाद मेरे पास फिर आता है। मेरे संबंध उससे ठीक थे पहले और लगभग अभी भी ठीक ठीक है, पर साल भर बाद वो मेरे पास फिर आता है और फिर मुझसे पैसे उधार मांगता। अब निश्चित है कि मैं उसे पैसे देना नहीं चाहूंगा, तो यहाँ पर ये मेरा अविश्वास बन चुका है उसके प्रति या मेरी पूर्व धारणा है जिसकी वजह से मैं नहीं देना चाहता। तो अगर मैं इसको विश्वास की निरंतरता में लूं तो मैं कैसे ले पाऊंगा, ये थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ। ठीक बात है। अब वो पैसा लौटाना नहीं चाहता है या उसकी उतनी समझ नहीं है कि पैसा लौटा देना चाहिए, ऐसा मुद्दा है, क्या लगता है आपको? सर उसकी स्थिति भी ठीक नहीं है और शायद उसकी उसकी मतलब मानसिकता भी ऐसी हो गई है कि ले लिया है तो ना लौटाना पड़े तो ठीक काम चल जाए। अब मैं, वो व्यक्ति अच्छा है स्वभाव से, तो मैं उसे मतलब वाद विवाद भी नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं भी उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। अब वो दोबारा पैसे मांग रहा है तो मैं इसे कैसे लूँ? मैं ये समझूं कि उसकी योग्यता में कमी है जिसकी वजह से नहीं लौटा पा रहा है, या मैं इसके अपने विश्वास की निरंतरता पर प्रश्न चिन्ह उठाऊं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, अगर हमको ये बात क्लियर हो जाती है ना कि इसका चाहना तो ठीक है पर कहीं ना कहीं योग्यता की कमी पड़ जा रही है कि वो पैसा लौटाना है नहीं लौटाना है, वो इधर ध्यान नहीं उसका हो सकता है कि पैसे को लेकर कुछ सुख का कार्यक्रम बन रहा है कि पैसे से ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, इनका पैसा क्यों लौटाना है, इनके पास तो बहुत सारा पैसा है, ऐसा कुछ हो सकता है उसके में चल रहा हो सकता है इस तरह का। अगर हमको एक बार ये दिख गया कि सामने वाले व्यक्ति का चाहना तो ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं योग्यता में कमी है, जब योग्यता में कमी होती है सामने वाले की तो हम सहयोग करते हैं कि उसकी योग्यता बढ़ जाए। जी, जब हमको ये दिखता है कि सामने वाले की योग्यता में कभी है। अभी क्या होता है, हम ही चीखने चिल्लाने लगते हैं। अभी हम ही अगर चीखने चिल्लाने नहीं लगे तो अपने में उस आदमी को देख के अपना खून खोलने लगता है, ये इस तरह का अपने में चलने लगता है, अपनी कल्पनाशीलता जो है जिसको कह रहे हैं कल्पनाशीलता में बहुत सारा जो खून खोलना मतलब एक बात कह देते हैं, तो बहुत सारा जब अंतर विरोध चल रहा है कल्पनाशीलता में उसी को कह रहे हैं जी।
तो ये अपने में चलने लगता है। लेकिन अगर हमको ये दिख गया है कि सामने वाले का चाहना तो ठीक है, इसकी योग्यता जो है वो पूरी नहीं पढ़ पा रही है, तो फिर हम उसकी योग्यता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोग आएंगे आज के ही सत्र में, अच्छा प्रश्न है आपका, इसको बनाए रखिए, आज के सत्र में आखिरी में हम लोग इस पर बात करेंगे। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे पास श्रीमती साधना जी हैं, रुचि सचान जी। सर जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है यार। जी सर, मैं एक अपने जीवन से जुड़ी घटना बताना चाहूंगी। मान लीजिए कि हमारे साथ में कोई सहकर्मी है, महिला या पुरुष कोई भी, और उसने, मैं उनको बहुत सम्मान देती हूँ, हमेशा से देती रही हूँ, और जैसा कि आपने कहा समान भाव रखती हूँ उनके लिए, मतलब सम्मान का भाव रखती हूँ और हर तरीके से उनको, मतलब जितना दे सकती हूँ मैं दे रही हूँ। लेकिन अगर उन्होंने कार्य को लेके, किसी भी चीज को लेके पीठ पीछे हमारे साथ विश्वासघात किया, उसके बाद भी हमने उनको क्षमा किया, यानी हमने ये समझा कि वही सब लोग, सबकी भावनाएं एक जैसी होती है, और जैसा कि अभी बता रहे हैं आप, दुर्भावना नहीं रखी उनके लिए, दूसरी बार या तीसरी बार चौथी बार अगर वो बार बार विश्वासघात कर रहे हैं, तो अभी जैसे हम ये प्रशिक्षण ले रहे हैं और हम ये समझ पा रहे हैं कि वाकई में उनमें योग्यता की कमी है, आपने बोला हम ये समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर वो सामने वाले ने इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं लिया है तो वो क्या हमारी, हमें समझ पा रहा है, मतलब हम कब तक उस पर विश्वास कर सकते हैं? यानी कि वो ये जो वो उनका काम है जो वो कर रहे हैं इस प्रकार से, वो करते रहेंगे लगातार, कंटिन्यू करते रहेंगे, और हम उसको लगातार क्षमा करते रहेंगे क्योंकि हम समझ रहे हैं कि उनमें योग्यता की कमी। लेकिन अगर वो इस प्रकार के किसी प्रशिक्षण से सामने वाला जुड़ा नहीं है तो बार बार उसकी, उनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, वो लगातार होता रहेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, जो आप ये बात कह रही है ना कि क्षमा करने वाली बात, तो आप हो सकता है कि बोल दे रही हो कुछ, या ये बोलने की ठीक है हम बात नहीं करेंगे हम, लेकिन कल्पनाशीलता में तो बहुत सारा विचार चलता ही होगा सर। मैं दोबारा उन्हें मौका ही नहीं देती है, उनके कंप्लेंट करते कुछ भी मौका ही नहीं देती, क्यों ऐसा मौका देती? यानी कि मैंने अपने दिल में कोई दुर्भावना नहीं रखी, मुझे लगा मैं ये कह रहा, हाँ मैं आपका प्रश्न सुन लिया, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप कह रही हैं कि क्षमा कर देती हैं, तो उसके बाद भी कल्पनाशीलता में उनके प्रति जो बातचीत है कि उन्होंने ऐसा किया ऐसा किया, ये चलता है कि नहीं चलता है? सर मैंने कभी अपने और किसी भी परिचित से ऐसा नहीं जिक्र किया, लेकिन हाँ मेरे मन में तो कहीं ना कहीं है कि हाँ भाई उन्होंने ऐसा किया था। तो हाँ, तो ये बात दिखती है कि चलता तो है, तो अगर हम क्षमा कर दे रहे हैं तो वो चलना तो नहीं चाहिए। अगर हमने भाई क्षमा कर दिया, अगर हमको ये ऐसा दिख रहा है तो वो चलना तो, सर हम लोग मानव हैं, बिल्कुल पूरी तरह से भूल तो नहीं सकते कि उस बात को ही बिल्कुल भुला देंगे। कभी अगर वैसा कुछ घटित होता वापस से, मतलब तीन चार बार हुआ तो बार बार तो मन में आएगा ही ना। बस मैं यही आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, देखिये जब हमने अपनी बारी में जैसी आई तो हमने अपने आप को कितना वो कर लिया कि सर मानव है, ध्यान नहीं दे पाएंगे, हो ही जाता है, हमने कितना हमारा भाव बदल गया अपनी जब बात आई। लेकिन जब सामने वाले व्यक्ति की बात हो रही थी तो हमारा भाव दूसरा था कि सामने वाला व्यक्ति 100 बार भी ऐसा कर रहा है तो उसको वो क्यों नहीं ध्यान दे पा रहा है, मैं तो हर बार क्षमा कर दे रहा हूँ या कर दे रही हूँ, हमारा भाव दूसरा था। लेकिन जैसे ही अपने बारे में बात हुई हमारा भाव बदल जाता है। अभी जब विश्वास की भी बात कर रहे हैं, जब ये बात ध्यान दिला रहे हैं क्या मैं सुखी होना चाहता हूँ, क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, तो लगता है हाँ ठीक बात है। लेकिन जैसे ये बात होती है क्या दूसरा भी सुखी होना चाहता है, दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, हमको लगता है नहीं वो तुम परेशान करना चाहते। बिल्कुल सर, वो करना चाहते होंगे, करना चाहते होंगे। एक मिनट, अभी करना चाहते हैं और कर रहे हैं ये दो अलग अलग बात है। करना चाहते हैं और कर रहे हैं, इतना जानना चाहती हूँ कि अगर उसकी वजह से कंटिन्यू नुकसान होता रहेगा, मतलब ऐसे, मतलब वो लोग अगर वो ये नहीं समझ पा रहे अपनी स्थिति, आज हम ये सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं, अगर वो इस प्रशिक्षण से, इस प्रकार की किसी भी चीज से नहीं जुड़े, वो अपनी स्थिति नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या वो दूसरों का लगातार नुकसान करते रहेंगे? समाज में सभी लोग ऐसा नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं, आप हैं या हम अभी इस समय बन रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे हमने भेद कर दिया कि हम अलग हैं वो अलग हैं। अच्छा, जैसे
मैं समझदार हो गया तो मेरी क्या जिम्मेदारी बढ़ती है बनती है? जो जो व्यक्ति कम समझदार है, जिसकी योग्यता कम है, तो उसकी योग्यता बढ़ाने में सही बहुत समझदार है वैसे हर चीज में अच्छे है, मैं नहीं मना कर रही, नो डाउट। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर मुझे ये बात समझ में आ गई कि मेरी योग्यता ज्यादा है, सामने वाले की योग्यता कम है, तो मैं क्या करूँ, उसकी योग्यता बढ़ाने में सहयोग करूँ या उसके साथ जीना छोड़ दूँ, उसके साथ बातचीत करना छोड़ दूँ, उसको अपने हाल पे छोड़ दूँ, क्या करूँ? सर अपने हाल पे तो नहीं छोड़ सकते, हम भी कोशिश करेंगे कि वो भी समझे, योग्यता बढ़ाएं, सामने वाले की योग्यता भी बढ़े भाई, इसका भी प्रयास करेंगे। और हम लोग आज ही के सत्र पे अभी इसी सम्मान वाली बात पे ही योग्यता के ऊपर बात करेंगे कि अगर मेरी योग्यता ज्यादा है कम है तो क्या किया जाए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे जी। कहाँ से है रुचि जी आप? जी मैं ग्वालियर से हूँ सर। ग्वालियर से, बढ़िया, बहुत जी। अतुल कुमार जी हैं, अतुल कुमार जी। हेलो, नमस्ते। नमस्ते सर, थोड़ा आपके पीछे बहुत सारा मतलब बैकग्राउंड नॉइज है बहुत। हाँ सर, मैं ट्रेन में हूँ। अच्छा बताइए। मैं ट्रेन से आपका शिविर अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा, आपके धन्यवाद। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक अभी। आप अगर हमको सुन पा रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख दें, हम लोग कोशिश करेंगे कि आप तक मतलब उस आंसर कर पाएं आपके प्रश्न को। जी ठीक है, हम लोग एक प्रश्न और ले लेते हैं। कौशल किशोर जी हैं, नमस्ते कौशल किशोर जी। नमस्ते जी। नमस्ते, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो अभी जो हम चर्चा सुन रहे थे, एक्चुअली मैं ये समझ पाया हूँ कि हमें विश्वास करना चाहिए, और हाँ ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें धोखा मिल रहा है कोई बात नहीं, और क्योंकि मुझे लगता है कि धोखे के कारण अविश्वास करना ज्यादा नुकसानदायक है, बशर्ते कि हमें धोखा मिल रहा है उससे ज्यादा। हाँ, इसमें दूसरी चीज ये देख सकते हैं कि हम किस हद तक, जैसे कि मान लो ये किसी को बहुत जरूरत है और हमें भी जरूरत है, तो हमें उनके बीच में ये देखना पड़ेगा कि हमसे जो अगर सरप्लस है, हम अगर कर पा रहे हैं आसानी से तो कर दें। सेकंडली जो उसको उसकी योग्यता बढ़ाने वाली बात है, हाँ उसको महसूस जरूर करा दें कि आपने हमें धोखा दिया है, तो इस पे के बारे में आपका क्या विचार है, या मतलब कैसे क्यों ये ऐसा नहीं दे पा रहे, हमारा रिटर्न नहीं कर पा रहे हो। तो मैं इतना समझ पाया हूँ कि विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक आध बार धोखा मिल जाए कोई बात नहीं, क्योंकि वो जो हमारे अंदर बाद में जो हमारी मान्यताएं बनेंगी वो ज्यादा नुकसानदायक हैं जितना कि हमें धोखा मिला है उससे ज्यादा। तो मैं इतना ही समझ पाया हूँ। दूसरा यही है कि हाँ उसकी योग्यता बढ़ाने के लिए समय परिस्थिति को देखते हुए जरूर पता लगाना चाहिए कि क्या कारण हुआ या वो क्यों नहीं कर पाया ऐसा। थैंक यू शरण जी। ठीक बात है, तो मुझे लगता है कि हम लोग इस तरह की तो कोई बात यहाँ से नहीं कर रहे कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ, हम लोग तो ये कह रहे हैं कि आप देख लीजिए कि विश्वास हाँ, करना ठीक लगता है या नहीं ठीक लगता है। हाँ, जब आप किसी का विश्वास कर रहे हैं तब आप आराम में रहते हैं, या जब आप हाँ, किसी का विश्वास नहीं कर रहे हैं, अविश्वास कर रहे हैं, तब आप आराम में रहते हैं। ट्रस्ट करते हैं तब आराम में रहते हैं, या मिसट्रस्ट करते हैं तब आराम में रहते हैं। ट्रस्ट करने में हम ज्यादा आराम में हैं, बस है कि हर एक पे अगर हम अविश्वास करने लगेंगे तो हमारा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब हम सुखी नहीं रह पाएंगे, हम दुख में रहेंगे। ठीक है, बढ़िया। तो हम लोग जो है कुछ हैंड रेस तो है, पर हम लोग जो है बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। एक प्रश्न और ले सकते हैं हम लोग। रश्मि जी है, रश्मि राजुरकर जी। जी बताइए। जी सर, नमस्ते सर सभी को। जी, ये डोलिया सर नमस्ते, मैं आप ही के साथ जुड़ के, आपके इस भाव के साथ जुड़ के ही बात थोड़ी सी अपनी ऐड करना चाह रही थी। ऐड दैट मींस मैं अपने मन की बात भी शेयर करना चाह रही थी कि जैसे बार बार हमें धोखा मिल रहा है, हम
हमारी तरफ से तो हम सहज भाव रख रहे हैं, हम भरोसा भी रख रहे हैं, आपकी आवाज कुछ और हो रही है, विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन सर अगर बार बार सामने वाला अगर नेगेटिविटी ही हमें क्रिएट कर रहा है तो सर कहाँ तक था? मुझे आवाज नहीं आ पा रही जी सर। जी आप कह रही हैं कि सामने वाला व्यक्ति बार बार धोखा दे रहा है और हम विश्वास रख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे जिए, ऐसा कुछ प्रश्न है आपका? कुछ नेटवर्क का इशू लग रहा है रश्मि मैम के साथ। रश्मि मैम आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? प्रश्न तो यही था भैया, लेकिन इधर रश्मि मैम रिस्पॉन्स कर पाए लगता है। ठीक है, हम लोग थोड़ी देर बाद रश्मि जी से बात करेंगे, कंटेंट को आगे बढ़ा लेते हैं, रश्मि जी से हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो अगर इस पूरी बात को देखें तो सम्मान को लिखा ठीक ठीक आकलन करना, सम्मान बराबर सम्मान सम्यक मापना, ठीक ठीक आकलन करना, ये बात हुई। अभी हम कर क्या रहे हैं तो ये देखा कि अभी तो अधिमूल्यन अवमूल्यन और अमूल्यन कर रहे हैं, और इसको सम्मान समझ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसको समझ के कर रहे हैं कि ये अपमान है, पर जब बात ध्यान में आती है थोड़ा सा बात को और बारीकी से देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि ये तो अपमान है, ये तो सम्मान नहीं है, और सही आकलन नहीं कर पा रहे हैं अगर तो वो अपमान है, ये बात ध्यान में आए। अब जब अगर हम ये अधिमूल्यन अवमूल्यन अन्यथा मूल्यन कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, इससे सामने वाला व्यक्ति ईगो में जाता है, एक बार डिप्रेशन में जाता है, और सामने वाला व्यक्ति ही नहीं मेरे साथ भी अगर ऐसा होता है तो मैं भी कभी ईगो में जाता हूँ कभी डिप्रेशन में जाता हूँ, और एक मेरी जो है वो जो ईसीजी की वेव्स होती हैं उस तरह का मेरा जो भाव है वैसा चलने लगता है, और उसके कारण अपने में गलत मान्यताएं बनती हैं, स्वयं में अव्यवस्था होती है, तनाव की स्थिति, निराशा, अवसाद और आत्महत्या तक भी ये चीजें पहुंचती हैं। लेकिन अगर मैं सही सही आकलन कर पाता हूँ, अपने में देख पाता हूँ, तो वो स्वयं में विश्वास का भाव जो है वो बनता है। अब ये बात हुई कि भाई किसके आधार पर हम ये देखें, जो सम्मान का आकलन किस आधार पर करें, मैं के आधार पर या शरीर के आधार पर, तो ये कहा कि भाई मैं के आधार पर करना ठीक है। अब जब मैं के आधार पर आकलन कर रहे हैं सम्मान का, तो ये देखा कि मेरा भी जो लक्ष्य है ये मेरा, तो ये लक्ष्य दिखाई देता है कि मैं निरंतर सुख समृद्धि के साथ जीना चाहता हूँ, और ऐसा सिर्फ मेरा ही लक्ष्य नहीं दिखाई देता, दूसरा मानव जो है वो भी निरंतर सुख समृद्धि के साथ जीना चाहता है, यहाँ पर जो 100-150 लोग जुड़े हुए हैं वो सभी लोग सुख समृद्धि के साथ जीना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के सभी लोग सुख समृद्धि की निरंतरता के साथ जीना चाहते हैं, भारत के सभी लोग सुख समृद्धि की निरंतरता के साथ जीना चाहते हैं, विश्व के सभी लोग सुख समृद्धि की निरंतरता के साथ जीना चाहते हैं, क्या हम इसको इस तरह देख पाते हैं या केवल हम एक छोटे पर्सपेक्टिव पर ही देख पा रहे हैं? जब हम कोई सेल्फ के आधार पर देखते हैं तो दिखता है कि हर एक मानव निरंतर सुख समृद्धि के साथ जीना चाहता है। कार्यक्रम को भी देखें, भाई मानव के जो स्तर हैं जीने के उसको समझ लिया जाए और उसके आधार पर जिया जाए, तो मानव कौन से स्तर पर जी रहा है, खुद के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर और प्रकृति अस्तित्व के स्तर पर जी रहा है, वहां पर जो व्यवस्था बनी हुई है उसको समझ लें और उसके आधार पर जी पाए। और ये कार्यक्रम केवल मेरे लिए नहीं है, हर एक मानव के लिए दिखाई देता है। अभी क्षमता को भी देखने गए तो मेरे में भी कल्पनाशीलता है और हर एक मानव में कल्पनाशीलता है, मेरी कल्पनाशीलता सहज स्वीकृति के आधार पर चल सकती है, चल रही है या नहीं चल रही है ये योग्यता पर बात करेंगे, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, जब क्षमता की जब बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या बात कर रहे हैं कि भाई हर एक मानव में कल्पनाशीलता है, मुझ में कल्पनाशीलता है और मैं सहज स्वीकृति से चला सकता हूँ। अभी जैसे हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, आपका जिसके प्रति अविश्वास है, जिसके प्रति विरोध का भाव है, जिसके प्रति सम्मान का भाव है,
अगर उस व्यक्ति के साथ भी कुछ चर्चा की जाए तो उसका भी ध्यान यहाँ तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है। जा सकता है तो यस लिख दे, नहीं जा सकता है तो नो लिख दे चैट बॉक्स में। जिस तरह की चर्चा भी यहाँ पर आप लोगों के साथ हो रही है, आपका जिसके प्रति अविश्वास है, जिस भी व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति विरोध का भाव चलता है, जिसको लगता है कि भाई ये पैसा लेके लौटा नहीं रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, उस व्यक्ति के साथ भी अगर चर्चा की जाए, प्रस्ताव के तौर पर किया जाए, तो उसका ध्यान जा सकता है कि नहीं जा सकता। बढ़िया, हर एक का आंसर यस आ रहा है, तो ये बात ध्यान में आती है कि हर एक मानव का पोटेंशियल एक ही है, क्षमता एक ही है, तो पर्पस प्रोग्राम और पोटेंशियल सेम है, उसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर इतना हमको क्लियर हो पाता है तो ये बात ध्यान में आती है कि दूसरा मेरे जैसा ही है, और यही सम्मान का न्यूनतम भाग है, दूसरा मेरे जैसा ही है, ये बात मुझे ध्यान आ पाती है। लेकिन अभी जो हमारा प्रयास है वो कैसा है, वो हम दूसरे से भिन्न दिखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को दूसरे से भिन्न प्रदर्शित कर रहे हैं, और वो भिन्न करने के लिए आप देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं। हम बाल अलग कर ले रहे हैं, कपड़े अलग अलग पहन रहे हैं, जूता अलग पहन रहे हैं, मोबाइल अलग, गाड़ी अलग, कि हम दूसरे से भिन्न है ये प्रदर्शित करने में लगे हुए हैं। हम ऐसा स्वीकार पाते हैं क्या कि दूसरा मेरे जैसा है, या हमारा ज्यादातर प्रयास रहता है कि मैं दूसरे से अलग हूँ, दूसरे से भिन्न हूँ, दूसरे से जुदा हूँ, ऐसा कुछ प्रयास करने में लगेंगे। और ये जो भिन्न हम प्रदर्शित कर रहे हैं इससे क्या हो रहा है, तो दिखता है कि इससे बहुत सारा भेद निकल कर आता है, तो वह हम भेद को देखते हैं। अगर यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है तो आरसी उपाध्याय जी हैं, नमस्ते उपाध्याय जी। सर नमस्कार, वैसे मैं आज परिवार के साथ ही काफी हद तक आपके पूरे विचारों को सुन रहा हूं, और निश्चित रूप से ये परिवार के लिए काफी उपयोगी और लाभदायी है। सुबह के सत्र में तो मैं, मेरी पत्नी बेटा तीनों ही थे, और कुछ जो बातें कही गई वो उस पर उन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी, तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं पत्नी की थोड़ी सी प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, पत्नी जी से ही बात करा है, उन्हीं से सुनना चाहेंगे हम लोग। जी जी, उन्हीं से। जी जी बताए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, आप लोग को बात सुन के बहुत अच्छा लगा जी। विश्वास और सम्मान पर नई समझ बनी। मेरा मानना है कि सम्मान का भी आधार विश्वास ही होता है। विश्वास बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? अगर विश्वास बनाए, आपने आज ही की चर्चा सुनी है या कल और परसों की भी चर्चा? आज ही की चर्चा सुनी। नहीं तो आप उपाध्याय जी से बोलिए कि अगली बार चर्चा हो तो पहले दिन से सुनिए अब आप। जी 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 है ना, क्योंकि जो हमको ये दिख तो गया कि भाई संबंधों में जीने के लिए भाव है, और भाव का जो आधार है वो तो विश्वास है, पर विश्वास जो हो रहा है तो वो मुझ में हो रहा है, मैं में हो रहा है, सेल्फ में हो रहा है, और सेल्फ की कल दिन भर हमने चर्चा की थी, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार जो है पुनः जो है वो अगली बार हो तो आप उपाध्याय जी से कहिए कि हमको भी जो है साथ में इसमें जोड़ें और आप भी पूरी चर्चा को सुने। तो जो मैं एक बात रख देता हूँ कि जो मैं हूँ, शरीर और मैं दो अलग अलग इकाई है, तो जो भाव का आधार रहेगा वो मुझ में रहेगा, और वो जो भाव का आधार है वो सहज स्वीकृति है। सहज स्वीकृति जो है हम लोग ने चर्चा की है 2-3 दिन, तो वो मुझे लगता है उपाध्याय जी से आप चर्चा करेंगे तो आप तक कुछ पहुंचाएंगे, और नहीं तो फिर कभी आप पूरी वर्कशॉप में आइए तो पूरा हम लोग जो है खुल के 5 दिन चर्चा करेंगे। कभी मौका मिलेगा तो 8 दिन का फिजिकल वर्कशॉप होता है उसमें चर्चा करेंगे बहुत सारी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दरअसल पहले से कुछ ऐसा संकेत नहीं था कि इन लोगों को भी शामिल किया जा सकता है,
आज सुबह जब आप लोगों की तरफ से संकेत मिला तो मैंने लोगों को भी साथ में रखा और वास्तव में लगा कि ये आपका जो पूरा कार्यक्रम है वो परिवार के साथ ज्यादा उपयोगी है। ठीक बात है। तो बाकी ये चीजें हैं, इस पर मैं आज शाम को इनको जो अपने फर्स्ट डेज के वीडियोस डाले हुए हैं उनको भी कुछ सुनाऊंगा जी, तो काफी उपयोगी रहेगा। इनफैक्ट हम लोग की तरफ से मुझे लगता है ये बात जब राज्य आनंद संस्थान के लिए रखी गई तो ये बात वहां पर मुझे लगता है रखनी जानी चाहिए। हम लोग की तरफ से ये चूक हो गई है, अगली बार से हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये बात जी। प्रवीण गंगराडे जी का हैंड रेज है जी, नमस्ते भैया बताइए। जी जी भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वैसे तो YouTube पे भी अवेलेबल हो जाएगा ये, तो जो लोग नहीं किसी दिन सुन पाए हैं तो वो YouTube में अपना जो चैनल है UHV वाला, वो राज्य आनंद संस्थान या UHV पे भी देख पाएंगे। तो जो लोग नहीं एक आध दिन या जो परिवार में जो नहीं देख पाए तो वो देख सकते हैं उसको जी। नहीं, ग्रुप में भी शेयर किया गया है मेरे पास, मैं उसको शाम को इनसे शेयर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कर लूंगा जी। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। और देखिए ये मानव से जुड़ी हुई बात है, तो ऐसा नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति है वही कर पाएगा, ये कोई किसी दूसरे ग्रह से लोग आएंगे वो कर लेंगे, ये सब मानव से जुड़ी है और हम भी मानव है तो हम इस चर्चा को सुन सकते हैं। और ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस वर्कशॉप को करने की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो पहले तो ये कहा जाता था कि भाई पढ़ा लिखा हो तो ठीक है और ना पढ़ा लिखा हो तो और भी ठीक है, क्योंकि पढ़ लिख के बहुत सारी मान्यताएं बढ़ जाती हैं। तो इस वर्कशॉप को करने की तो बस इतनी ही एलिजिबिलिटी जो है वो है। थोड़ा सा हम लोग जो है आगे बढ़ा लेते हैं कंटेंट को। तो अब जो भेद को देखने जाते हैं, जब अपने आप को दूसरे के जैसा नहीं स्वीकार पाते हैं, भेद को देखने जाते हैं, तो अभी समाज में मुख्यतः तीन तरह के भेद दिखाई देते हैं, एक शरीर के आधार पर, एक सुविधा के आधार पर और एक मान्यता के आधार पर। और उन तीन तरह में चार चार दो दो तरह के भेद हैं, उनको देखते हैं एक एक कर। अभी जैसे आयु के आधार पर देखें तो आयु के आधार पर एक भेद, जैसे छोटा बच्चा है तो उसको आज की डेट में बच्चा जो है वो मोबाइल चला ले रहा है तो वो बहुत सारा जो ऐप चलाना जानता है तो उसको लगता है कि अच्छा माँ बाप भी इस तरह का बच्चे को बचपन से, हमारा बच्चा तो यूट्यूब भी चला लेता है, ये भी ऐप खुद से डाउनलोड कर लेता सब, तो बच्चे को भी लगता है कि भाई मैं सब कर ले रहा हूँ। तो बच्चे का अपना एक अधिमूल्यन हो जाता है, भाई मैं ऐप चलाना जानता हूँ मैं सब कर लूंगा, ऐसा बच्चे में अधिमूल्यन। वहीं जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो क्या लगता है उसको, वो व्यक्ति उतना नहीं चला पाता मोबाइल लेकिन उसको ये तो लगता है कि ठीक है आओ दुनिया में, अभी बाहर निकलोगे तो समझ में आएगा क्या चल रहा है दुनिया में, अभी मोबाइल चलाने से जीना तो हो नहीं जाता है, वो अपना एक अधिमूल्यन करके बैठे। जो जवान पीढ़ी के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं सुविधा तो मैं ही कमा के ला रहा हूँ, घर को तो मैं ही चला रहा हूँ, मैं अलग। तो इस तरह हम आयु के आधार पर जो है वो एक भेद कर लेते हैं। अभी क्या ठीक लगता है, बड़ों का सम्मान किया जाए या हर एक का सम्मान किया जाए? अगर बड़ों का तो बी लिख दीजिए, हर एक का तो एच लिख दीजिए चैट बॉक्स में। बढ़िया, हर एक का। तो हम बच्चों को ये क्यों बता रहे हैं कि बड़ों का सम्मान करो, हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि बड़ों का सम्मान करो, हम ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि हर एक का सम्मान करो? अभी ये भेद हमने जो है वो तय कर दिया, उसको हम कहते हैं कि जनरेशन गैप हो गया है, ये गैप हो गया, ऐसा गैप हो गया, ये एक शरीर के आधार पर, आयु के आधार पर भेद दिखता है। वहीं फिर लिंग के आधार पर भी दिखता है कि भाई ये महिलाओं को बहुत दबाया गया तो बोले भाई महिलाओं का सशस्त्रीकरण हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, ऐसा सब हो गया। बहुत सारा वुमेन एम्पावरमेंट हो गया तो देखा पुरुषों को दबाया गया तो बोले अब भाई मेल एम्पावरमेंट हो। वहीं ट्रांसजेंडर को हम मेल फीमेल दोनों नहीं समझ रहे, उनको कुछ और कह रहे हैं तो वो उनका एम्पावरमेंट का भी कुछ चल रहा है। अभी सेल्फ तो तीनों में ही है, शरीर की बनावट कुछ अलग हो सकती है लेकिन सेल्फ तो तीनों में ही है। तीनों के आधार पर हम देख पा रहे हैं क्या सिमिलैरिटीज या एक भेद किए बैठे।
अभी वंश के आधार पर भी देखें तो पूरे विश्व में चार तरह के जो वो है, मतलब वंश वो मिलता है, एक ब्लैक, वाइट, येलो और ब्रिटिश, जो चाइना और जापान इस रीजन के लोग हैं उनको येलो कहा जा रहा है, जो साउथ एशिया के हैं इनको ब्रिटिश कहा जा रहा है, जो अफ्रीका या साउथ अमेरिका के हैं उनको ब्लैक कहा जा रहा है, और जो अमेरिका और ऊपर यूरोपियन उनको वाइट कहा जा रहा है। अभी इसको भी लेकर आप देखेंगे तो हजारों साल से जो है बहुत सारा लड़ाई झगड़ा ये सब चल ही रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने मान लिया कि भाई सफेद अच्छा है, किसी ने माना काला अच्छा, किसी ने कि ये अच्छा वो अच्छा, इसमें चल रहा है सब। मानव को मानव जैसा स्वीकार कर पा रहे हैं क्या? दूसरा, अभी आप देखिए व्यक्ति एक कलर से दूसरे कलर में चेंज होने के लिए हजारों लाखों रुपए की क्रीम लगाए जा रहा है, हजारों लाखों रुपए का जो है वो क्रीम को खर्चा कर दे रहा है। हम इन सब बातों को देख ही नहीं पा रहे। फिर बल के आधार पर जो शक्तिशाली है हमने उसको बलवान मान लिया, उसको हम मान रहे कि भाई उसका सम्मान ज्यादा, जो कमजोर है उसका क्या करें, उसका पता नहीं, उसका पता नहीं। एक मिनट रुकिए। जी तो अभी जैसे मैं अक्सर ये घटना जब बलवान की बात आती है तो मैं ये रखता हूँ कि हम लोग कॉलेज से थे तो कॉलेज से लौट रहे थे तो एक बार एक ऑटो वाले ने जो है वो कट मार के निकल गया, जोर से चिल्लाए, कॉलेज में थे, जबलपुर की बात है, वहां पे कहाँ जा रहा है, रुको जरा देखते हैं ये, वो जोर से चिल्ला के और अपना मोटरसाइकिल से उसके बगल में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो देखा वो जब ऑटो से उतरा वो व्यक्ति तो हमसे जो है वो डेढ़ गुना हाइट का है और उसी तरह से बॉडी भी थी उसकी। तो हम लोग बोल के निकल गए, भैया थोड़ा ध्यान से चलाया करो, हम लोग जो है लड़के लोग हैं, कॉलेज जा रहे, पेपर देने चोट लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, पेपर छूट जाता है, ऐसा बोल के हम लोग चले गए। तो अभी वही पता चला वो कमजोर व्यक्ति होता तो उसको मार भी देते, बलवान निकल गया तो उसको नहीं मारे। तो इस तरह का भी ये बात ध्यान दिखती है कि हम भेद करते रहते हैं। और ये जो पूरा भेद है क्यों कर रहे हैं तो ये दिखता है कि यहाँ मानव को हमने केवल शरीर मान लिया, ये नासमझी है, जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि मानव में मैं भी हूँ और शरीर भी है। अभी आप ये बताए, मतलब बात रख सकते हैं आप अपनी चैट बॉक्स में भी और माइक में भी, कि अभी जब बच्चों के साथ आप चर्चा करने जाते हैं तो बच्चों के साथ किस तरह से चर्चा करते हैं? बच्चों को आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं या प्रस्ताव देते हैं? यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन भी ले लेते हैं। आम तौर पर क्या करते हैं, परिवार में बच्चों को प्रस्ताव देते हैं या परिवार में बच्चों पर थोपते हैं? जो करते हैं वो उसको टिक लगाइएगा, क्या करना चाहते हैं उसको मत टिक लगाइएगा। यहाँ पर क्या करते हैं वो पूछ रहे। ठीक, तो यहाँ राज भवर जी हैं, राज भवर सिंह जी, जी नमस्ते। उषा व्यास जी भी हैं जी। सर मैं बोलना तो पहले ही चाह रही थी सम्मान के ऊपर से, पर अभी चूंकि आपने क्वेश्चन किया है तो बच्चों पर थोपते हैं अक्सर ज्यादातर। जब हम बच्चे थे तो हमको क्या ठीक लगता था, थोपना? कोई थोपे या प्रस्ताव से बात? थोपना तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता था। कितना अच्छा है, देखिए ये सहज स्वीकृति कि हमारे सारे उत्तर हमारे खुद में ही हैं, बस हमको उसको एक बार ध्यान देने की जरूरत है। हम अगर उसको ठीक ठीक ध्यान दे पाते हैं तो बच्चों तक ठीक ठीक बात पहुंचा पाते हैं। जी ठीक है उषा जी, है जी जी सर, थैंक यू सर। डॉक्टर आर बी पटेल जी हैं। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते जी, मैं राजभवर सिंह सेंधव सर, देवास। अच्छा अच्छा, पहले राज भवर सिंह जी को सुन लेते हैं फिर आर बी पटेल जी को सुन लेते हैं। जी 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 सर, मेरा थोड़ा सा ये बात थी, अभी जो पिछला कंटेंट जो चल रहा था भरोसे वाला जी, तो मेरे हिसाब से जैसे आज
ये 9 बिंदु दिए गए हैं विश्वास से लेकर प्रेम तक, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं हृदय से संबंधित है, विश्वास से जैसे समझ से संबंधित है, और जो प्रेम है वो हृदय से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं जैसे जिससे हम प्रेम करते हैं वहां हम हृदय से काम ले सकते हैं, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, और जहाँ हम विश्वास करते हैं केवल वो पहली सीढ़ी है, आधार है, तो हमें वहां समझ की जरूरत होती है, और हमें कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और सहज स्वीकृति फिर देना चाहिए। तो सर बस इतना ही कहना था सर जी। मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिलाने की कोशिश करूँ तो जो हम बात कर रहे हैं हृदय और दिमाग, तो ये दोनों तो शरीर का ही हिस्सा है। तो हृदय और दिमाग जी हाँ सर, तो शरीर का हिस्सा, लेकिन जो मानव का मानव से संबंध है वो सेल्फ का सेल्फ से है, मैं का मैं से है, और वहां पर ये भाव है। अभी हृदय मतलब जो दिल, या अगर उससे कुछ और रियलिटी आप बताना चाह रहे हैं तो वो बता दें। जी हाँ सर, वो जैसे संवेदनाएं हैं जो अपनी संचारी भाव है, जैसे भाव के अलावा भी छोटे छोटे भाव होते हैं उनको संचारी भाव कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हृदय से उनकी उत्पत्ति होती है, और कहीं ना कहीं निर्णय जब होता है तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में होता है, तब वहाँ स्थायी भाव बनता है मस्तिष्क में जाकर। ठीक जी सर, मतलब थोड़ा सा इन बातों को तो देखना ही होगा कि जो हृदय है या जो मस्तिष्क है जिसको दिमाग भी कह रहे हैं, क्या इनमें ये भाव बन रहा है, क्योंकि ये तो फिजियोकेमिकल ऑर्गन्स है, या भाव मुझ में बन रहा है, सेल्फ में बन रहा है, जो चैतन्य इकाई है, कॉन्शियस यूनिट है, इसको भी हमको थोड़ा सा देखना। अभी क्या है, हम ये बन रहा है ये बात तो ध्यान में आती है, पर हम मानव को जो है शरीर माने हुए हैं, ये चैतन्य इकाई बहुत दिखती नहीं, तो हमको ये लगता है कि वो हृदय से या दिमाग से या मस्तिष्क से बन रहा है। मुझे लगता है इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की जरूरत है, अपने में और एक्सप्लोर करके इसको देख सकते हैं। जी 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 ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक, तो ये दिखता है कि अभी तो हम बहुत सारे लोग यही 50% लोग लगभग ये कह रहे हैं कि भाई हम प्रस्ताव भी देते हैं, और 50% ये कह रहे हैं कि हम थोपते भी हैं। अभी देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, ये दिखाई देता है कि पूरे टाइम हम बच्चों को थोपते रहते हैं, ये मत करो, ऐसा नहीं करो, ये करना है, वो करना है, ये कर लो, ऐसा कर लो। हम कभी उनसे पूछ के देखें ये आपको क्या ठीक लगता है, क्या करना ठीक है, हो सकता है वो दो चार बार ना भी बता पाए, लेकिन हो सकता है कि वो फिर बता भी दे। अब अगर हम और आगे बढ़े, इस भेद को शरीर के आधार पर देखा, अगर इसको सुविधा के आधार पर देखें तो धन के आधार पर, वेल्थ के आधार पर हम डिफरेंस करते हैं। क्या डिफरेंस करते हैं कि भाई मेरे पास कितना, उसके पास, वो कितना अमीर है, वो कितना गरीब है। जिसका जो अमीर है उसका सम्मान ज्यादा, जो गरीब है उसका सम्मान कम। वो घर पे वो लोग आ रहे हैं तो वो वाली कांच वाली प्लेट है वो निकाल दो, उस पर खाना खिलाएंगे, वो ऐसा खिलाएंगे कि स्टील की प्लेट पे कैसा लगेगा वो, अरे स्टील की प्लेट पे खिला दो, ठीक ही तो है, यहीं से तो आ रहे हैं, ऐसे ही तो है। इस तरह का ये सब हमारे में चलता है कि नहीं चलता है, इसको हम थोड़ा सा देख लें। क्यों? क्योंकि हम धन के आधार पर सम्मान में करने का जो भेद है वो भेद क्रिएट कर रहे हैं। फिर पद के आधार पर, बड़े अधिकारी हैं उनका सम्मान करो, ये छोटे हैं तो अरे प्यून है उनसे तो ऐसी बात कर लो। यहाँ पर हम भाव की बात कर रहे हैं, वो भाव कैसा रहता है हमारा, वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी एक प्रश्न ले लेते हैं, और चैट आपसे लोग अगर कुछ बात रखना चाहे रिफ्लेक्शन तो वो भी रख सकते हैं। जी आरबी पटेल जी है, आपको रोका था जी, बताएं। नमस्ते डॉक्टर आरबी पटेल जी हैं, आपका माइक म्यूट है। अच्छा, मुझे लगता अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आशा असाठी जी हैं जी, नमस्कार, मैं ज्योत्सना जी। नमस्ते ज्योत्सना जी, पहले आशा जी को सुन ले फिर आपको सुन ले। जी नमस्ते भैया। अभी आपने कहा जो कि हम जो है बच्चों के ऊपर को थोपते हैं, हमारी जो फीलिंग या हमें कुछ जो भी हम चाहते हैं, कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं,
और मुझे सडन क्लिक किया, क्योंकि मैं दिन भर में कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाता है कि बच्चा मेरा बेटा जो है वो पढ़ रहा है साथ में जॉब कर रहा है, तो मुझे कोई काम रहता है या कुछ रहता है तो मैं ये नहीं देखती कि वो इस समय पढ़ रहा है तो मुझे डिस्टर्ब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या वो काम कर रहा है ऑफिस का, और मुझे जो काम होता है तो मैं उसको बिल्कुल आदेश देती हूँ कि अखिल जाके ऐसा काम कर दो। तो मुझे अभी सडन क्लिक किया कि मैं दिन भर में ऐसा कितनी बार कर लेती हूँ कि मैं उसको आदेश देती हूँ या मेरी जो इच्छाएं हैं मैं उसके ऊपर थोपती हूँ कि तो बेटा तुम्हें करना ही है। जी ठीक बात है। अभी क्या लगता है आपको आशा जी, ये जो आप कर रही थी ये समझ के कर रही थी या ध्यान नहीं दे पा रही थी इसलिए हो जा रहा था? नहीं, मैं इस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था कि मैं ये जो कर रही हूँ वो सही है या गलत है, मैं उसके एंगल से सोच ही नहीं पा रही थी इस चीज को। अभी मुझे ये महसूस हुआ कि मैं मुझे इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जब सामने वाला व्यक्ति कोई इस तरह की गड़बड़ी करता है तो आपको क्या लगता है कि वो गड़बड़ी कर रहा है या वो भी ध्यान नहीं दे पा रहा है इसलिए हो जा रही है? हाँ, कभी लगता है कि शायद वो ध्यान नहीं दिया, और कभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, सामने वाला जो है उसको लगता है कि ये इजी गोइंग है, ये आसानी से ये काम कर देगी, तो वो मुझे थोपा जाता है वो मेरे ऊपर। ठीक बात है। अभी और थोड़ा सा मुझे लगता है इन सारी बातों पे अपने में घर परिवार में चर्चा करें तो और बातें निकल कर आएंगी, तो उससे हम जो है ध्यान दे पाएंगे। जी 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 थैंक यू जी। तो जी ज्योत्सना जी, आप बात रखें अपनी। जी नमस्कार। ये अभी जैसे आशा जी ने कहा तो आदेशात्मक ही होता है हमारा रवैया बच्चों के लिए, और ये नोइंगली नहीं होता, हम जानबूझ के नहीं करते, ये हमारे अंदर इनबिल्ट है कि अब मैं माँ बन गई हूँ तो मुझे आदेश देना अपने आप ही आता है, अननोइंगली होता है सब कुछ ये। जब आपने ये वर्ड बोला तब इस बात पर ध्यान गया, एक सच में हम बच्चों पर आदेश करते हैं, अदरवाइज हम सोचते हैं ये तो हमारा अधिकार है, ये तो हमें करना ही है, इससे बच्चों को हम ठीक राह पर ले जा रहे हैं। और दूसरा पद पे भी मैं बोलना चाहूंगी, पोस्ट के हिसाब से भी हम करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मेरे घर में जैसे जो मेड आती है तो उसको किसी का भी गुस्सा होता है तो मैं उस पर उतार देती हूँ, तो मेरा बिहेवियर ऐसा रहता है, अगर वो कोई गलती करती है उससे कब टूट जाता है तो मैं उसको डांट देती हूँ, चाहे वो महीने में एक बार टूटे, लेकिन अगर वही कप मुझसे टूट जाता तो मैं कहती हूँ गलती से हो गया कोई बात, तो मेरा बिहेवियर उसके प्रति ऐसा रहता है। घर वालों के प्रति दूसरा बिहेवियर रहता है, क्योंकि मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ कि उसका तो काम करती है वो, तो उसको तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ क्योंकि मैं उसको पे करती हूँ, ऐसा रवैया रहता है। जी सर, अभी एक वर्कशॉप में तो एक मैडम आई थी तो वो ये सारी चर्चा हुई उनके साथ, तो वो तो ये भी ध्यान दिलाएं कि अब तो अगर मुझसे भी अगर कोई गलती हो जाती है तो भी सामने वाले को डांटते, अगर मुझसे कप टूट गया तो सामने वाले को ये डांटते कि यहाँ कप रखा किसने था। जी हो जाता है, शायद मैं भी करती हूँ, आई थिंक सो। बात है, बढ़िया, ठीक है, तो अच्छा है ये अपने ऊपर ध्यान जा पा रहा है, वही मुख्य मुद्दा, ये तो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो ये बात दिखता है कि भाई क्या हम अधीन सफाई कर्मचारी रक्षक गृह स्वामी के सम्मान का व्यवहार करते हैं या नहीं, हाँ या नहीं, बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया, थोड़ा सा हम अपने में जांच परख करके देखें इसको भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बढ़िया, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने सुविधा को ही सुख मान लिया है, सुविधा बराबर सुख, सुविधा ही सुख है, जबकि वास्तविकता क्या है, संगीत में व्यवस्था में जीना सुख है, लेकिन अगर ना समझिए तो हमने मान लिया कि भाई सुविधा से ही सुख आएगा, जो जिसके पास जितना पैसा है जितनी बड़ी पद है उतना वो सुखी होगा। अगर मान्यता को देखने जाएं तो मान्यता के आधार पर जब हम भेद कर रहे हैं तो दिखता है कि भाई वाद के आधार पर क्या वाद है, तो देखा भाई कोई समाजवाद किसी को मान्यता से ठीक लग रहा है, किसी को जो है वो पूंजीवाद ठीक लग रहा है, किसी को कोई दूसरा वाद है वो ठीक लग रहा है, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है,
ये सारी चीजें किसी को ठीक लग रही है उसके आधार पर वो तय कर रहा है। संप्रदाय है, कोई भाई हिंदू है उस मान्यता से जी रहा है, कोई मुसलमान है उस मान्यता से जी रहा है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, किसी ने कहा हम कोई मान्यता से नहीं जिएंगे, तो अलग अलग एक संप्रदाय बन गया है, तो वो एक मान्यता ही है। फिर सूचना हो गई है, कोई जो है वो बोला कि हमने बीए कर लिया है, कोई बीकॉम कर लिया है, कोई बीटेक कर लिया है, कोई पीएचडी कर लिया है, कोई आईएएस हो गया है, ये सब इस तरह की सूचना ही हो गई है। तो सूचना के आधार पर भी जो है हम वो भेद करते हैं। अभी देखने जाएं तो यहाँ पर भी एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं हम लोग, और कुछ लोगों का और हैंड रेस है। तो राजा खान जी हैं शिवपुर से। जी यहाँ पर भी एक रिफ्लेक्शन ले सकते हैं परीक्षित भैया। सुनीता शर्मा जी भी हैं। हाँ सर, मैं पिछले वाले पे बोलना चाह रही थी। तो जैसा कहा कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मतलब सम्मान की भावना से भावना रखना, तो कई बार ऐसा होता है सर कि हम उनके साथ सम्मान की भावना रखते हैं लेकिन वो बहुत फिर कैजुअल ले लेते हैं, फिर उनसे काम करवाना बड़ा मुश्किल होता है। तो सर ऐसी स्थिति में फिर हम क्या करें? देखिए, सम्मान का भाव बनाए रखना, और तो वहां पर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाई सामने वाले की योग्यता कम ज्यादा हो सकती है, उसका भी सहयोग करेंगे। अगर योग्यता कहीं पर कम पड़ रही होगी तो वो भी ध्यान दिलाएंगे उस व्यक्ति का। नहीं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम दो करने को कि भैया ये काम कर दीजिए, तो वो ना कैजुअल ले लेते हैं सर, टाल देते हैं कि अरे मैडम ने कहा है, मैडम कुछ नहीं बोलेंगी, तो वो काम को टाइम से नहीं करते हैं सर। तो कहीं ना कहीं लगता है कि फिर जब मैंने आप आके हस्बैंड को बताती हूँ तो बोलते हैं तुम सबको सिर पे चढ़ा के रखती हो इसलिए तुम्हारी कोई बात सुनता नहीं है। तो मैं ये बात कहना चाह रही थी सर। अभी देखिए, अगर हम सही समझ के साथ जीते हैं ना, तो वहाँ हम किसी को सर पे नहीं चढ़ाते हैं, किसी को पैर से नहीं कुचलते हैं। हाँ। सबको अपना जैसा स्वीकारते हैं और अपना जैसा स्वीकारने के साथ सभी के साथ व्यवहार करते हैं, और जब सामने वाला हमारे व्यवहार से आश्वस्त होता है और ये देखता है कि जो हमारे बॉस है या हमारे साथी है वो अगर जिम्मेदारी के साथ जी रहे हैं तो वो हमारे साथ भी वो व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ ही जीने का प्रयास करता है। जी सर। लेकिन अगर वो सामने वाला व्यक्ति हमारे व्यवहार से बहुत आश्वस्त नहीं होता है, और व्यवहार से आश्वस्ती के मतलब हमने एक बार भी चूक करी, तो सामने वाला व्यक्ति वो चूक को ज्यादा ध्यान में रखता है। हाँ सर, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं भी उसी तरह जी रही हूँ, मैं भी उस बात को ध्यान रखता हूँ, तो सामने वाला भी। इसीलिए ये बात ध्यान में आती है कि निरंतर जो हमारा व्यवहार हो वो निश्चित आचरण के साथ जीने वाला हो, तब तो वहां ठीक है। अगर एक बार भी चूक हुई तो वो फिर सामने वाला व्यक्ति पकड़ता नहीं है उसको। जी सर। जी ठीक सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। बढ़िया, तो ये बात ध्यान में आती है कि भाई मान्यता के आधार पर जो है वो वाद, संप्रदाय और सूचना के आधार पर हम लोग जो है वो भेद कर रहे हैं। क्यों भेद? क्योंकि यदि मेरी मान्यता दूसरे की मान्यता से मिलती है तो दूसरा मेरे जैसा है, ये हम मानते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है? प्रत्येक मानव मेरा जैसा है, ऐसी मान्यता निकल के आती है। अगर मान्यता को नहीं समझे हैं तो ये गड़बड़ी करते हैं। अगर ये बात ध्यान में आ गई कि वास्तविकता क्या है, तो दिखता है कि प्रत्येक मानव मेरे जैसा है। अभी देखिए, जितने भी तरह के भेद हैं ये भेद अपमान है और ये हमको सहज स्वीकार नहीं होते। और आप जितना भी विरोध, आंदोलन, लड़ाई, झगड़ा, वॉर, वर्ल्ड वॉर, ये सब देख लीजिए हजारों सालों से, वो इन्हीं भेद का ही नतीजा है। जो भी इस तरह की लड़ाई, झगड़े और सारी चीजें हुई हैं वो इन्हीं भेद का नतीजा है, इन्हीं भेद के कारण वो हुई। अभी देखें तो ये भेद, डिफरेंशिएशन, ये अलग अलग है, कम ज्यादा उम्र रहेगी तो ये एक दूसरे से जनरेशन गैप के लिए है या परस्पर पूरकता के लिए है। अभी जैसे घर में बच्चे भी हैं,
जवान भी हैं, बुजुर्ग पीढ़ी भी है। जवान को जो पुरुष हैं जैसे या महिलाएं हैं, वो जो भी घर की सुविधा है उसको पूरा हो जाए, घर का जो एक व्यवस्था है वो बनी रहे, ये जो जवान पीढ़ी है उनका काम है। तो बच्चों की किसकी जिम्मेदारी क्या है? बच्चों को कौन देखेगा? उसको बुजुर्ग पीढ़ी देखेगी। बुजुर्ग पीढ़ी को कौन देखेगा? उनको बच्चे देखेंगे। तो इस तरह से ये परस्पर पूरकता के भाव से जीना ठीक है, या फिर जो अभी विरोध और जनरेशन गैप और इस तरह से जीना ठीक है? महिला और पुरुष है तो ये परस्पर भाव के साथ जीना ठीक है, या एक दूसरे के विरोध में जीना ठीक है, लड़ाई झगड़ा करना ठीक है? आप देख रहे इसको अभी जैसे मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ कि मेरी भाई मेरी भाभी है और मेरी वाइफ भी है। मेरी भाभी की हाइट थोड़ा ज्यादा है, वाइफ की हाइट थोड़ा कम है। अब किचन में काम करती हैं, तो किचन में कुछ ऊपर से उठाना रहता है तो वो कह देती हैं कि भाभी आप उठा दो, और कुछ नीचे झुक कर निकालना है तो वो ये कह देते कि भाई तुम निकाल दो, तुम हाइट कम है तो आसानी से झुक पाती हो। तो अब इसको लेकर ये परस्पर भाव के साथ जीना ठीक है, या यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करें कि भाई तुम लंबी हो, तुम छोटी हो, तुम नाटी हो, तुम ऊंची हो, हम ये सब करें, क्या ठीक लगता है? और अभी हम क्या कर रहे हैं समाज में, घर परिवार में, उसको देख लें। तो जब ये भेद हमको ध्यान में आता है तो ये दिखता है कि मान्यता से गवर्न हो रहा है। इच्छा और सहज स्वीकृति का अंतर को समझना आवश्यक है, और ये मान्यता के कारण हमारे में इतना सब भेद चलता रहता है। और जब भी हम भेद के साथ जी रहे हैं तो हम अपने में परेशान रहते हैं, बहुत आराम में नहीं रहते। सहज स्वीकृति क्या है? कि अपने में आराम में बने रहें, सभी का सम्मान कर पाए। अगर इतनी बात ध्यान में आती है तो ये बात ध्यान में आती है कि भाई हमारा जो लक्ष्य है और हमारा कार्यक्रम, हमारी क्षमता, ये दूसरे के जैसी ही है, जैसा मैं हूं वैसा दूसरा है। सम्मान का न्यूनतम भाग तो यही है कि दूसरा मेरे जैसा है। अगर इसकी क्लैरिटी हो पाती है तो ये दिख पाता है कि दूसरा मेरे जैसा है, लेकिन अभी भी योग्यता की बात नहीं आई है। अब योग्यता की बात दो तरह से आ सकती है। अपनी परस्पर योग्यता का सही आकलन के आधार पर अपनी पूरकता को पहचानता हूं और निर्वाह करता हूं। अब अगर मुझे ये दिख जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे ज्यादा समझदार और जिम्मेदार है तो मैं क्या करूंगा? मैं सामने वाले व्यक्ति से सीखने को तैयार रहूंगा या नहीं? यस और नो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मुझे ये दिखता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति मुझसे ज्यादा समझदार जिम्मेदार है तो मैं सामने वाले व्यक्ति से सीखने और समझने को तैयार रहूंगा या नहीं? यस और नो ये आप लिख सकते हैं। बढ़िया, तो लगभग सभी का आंसर आ रहा है यस, बहुत बढ़िया। अगर मुझे ये दिख जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे कम समझदार है, मैं ज्यादा समझदार हूं, अब मैं क्या करूंगा? उसको सारा कुछ समझा दूंगा? यस और नो। बढ़िया, सबने लिखा समझा दूंगा, कुछ ने लिखा नो भी लिखा। यहाँ पर हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं। क्या गड़बड़ी कर देते हैं उसको हम अगर थोड़ा सा रुक जाए, चैट बॉक्स को रोक दें और फिर उसको ध्यान से सुने। ये बात तो ठीक है, अगर सामने वाले ने मान लिया है, मैंने ये बात मुझे ध्यान में आ गई है कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो है वो मुझसे ज्यादा समझदार जिम्मेदार है तो मैं उससे सीखने को समझने को तैयार हूं। अगर मुझे ये दिख जाता है व्यक्ति जो है मैं उससे ज्यादा समझदार जिम्मेदार हूं, अब मैं उसको समझाने का प्रयास नहीं करता हूं। अगर मुझे ये दिख जाता है कि मैं ज्यादा समझदार जिम्मेदार हूं तो मैं पहले नंबर पर मैं दूसरे
दिवसाद भैया जी, दिशा भैया अभी कनेक्ट हो रहे हैं बस। तब तक हम लोग एक रिफ्लेक्शन ले सकते हैं यहाँ पे। क्या मैं ये देख सकता हूँ कि ऐसा कोई भी भेद जो है वो अपमान है? क्या आप इससे दृढ़ता से सहमत है? सहमत है ना? सहमत है ना? असहमत है? असहमत है या दृढ़ता से असहमत है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ जी सर, व्यापारी आवाज है जी। हाँ, इशू हो गया था जी जी। नहीं अब ठीक है, वॉइस आप शेयर कर देंगे ना? मैं हाँ शेयर आप कर दीजिएगा। ठीक, वो ठीक। आगे अगर थोड़ा सा वो योग्यता वाले जो बात चल रही थी। जी 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 और आगे थोड़ा और आगे बढ़े। हाँ, और पूरा खोल दें इसको। हाँ, तो अगर मुझे ये बात ध्यान में आती है कि दूसरा व्यक्ति मुझसे ज्यादा समझदार जिम्मेदार है तो मैं उससे सीखने को तैयार है। और अगर मुझे ये बात ध्यान में आ जाती है कि मैं दूसरे से ज्यादा समझदार जिम्मेदार हूँ तो मैं दूसरे व्यक्ति के साथ जिम्मेदारी के साथ जीता हूँ, बिना उसके व्यवहार के प्रभावित हुए, बिना किसी शर्त के। मैं कोई शर्त नहीं लगाता हूँ कि ऐसा रहेगा तो ठीक है, ऐसा होगा तभी तक मैं जीऊंगा, ऐसा नहीं, बिना किसी शर्त के। और जब मैं ऐसा जीता रहता हूँ तब मैं ये भी प्रयास करता हूँ कि सामने वाले का सहयोग कर पाऊं ताकि वो भी व्यक्ति भी समझ पाए। पर जब मैं उसका सहयोग करूं तो मेरा संबंध का भाव भी बना रहे, उसके पहले मैं इसको नहीं करता। अगर विरोध का भाव आ गया तो मैं ही अपने में परेशान हो गया, मैं ही अपने में परेशान हो गया तो देखा कि भाई मेरी योग्यता कम है अभी, तो मैं ही अभी समझदार जिम्मेदार नहीं हो पा रहा हूँ तो मैं दूसरे को क्या समझाऊंगा। तो ये बात ध्यान में आती है कि पहले जो है जिम्मेदारी के साथ जीना है और तब सामने वाले व्यक्ति तक इन बातों को पहुंचाना है। जब हम ये देख पाते हैं तो ये दिखता है कि दूसरा मेरे जैसा है, हम एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं, हम में भेद नहीं है, हम एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। ये बात ध्यान में आती, अगर ये ध्यान में नहीं आ पाती है तो फिर हम बहुत सारा भेद, आंदोलन, लड़ाई, झगड़ा ये सब जो है वो करते रहते। यहाँ पर अगर एक प्रश्न ले सकते हैं हम लोग तो
सुषमा दास जी हैं, नमस्ते जी। सुषमा जी नमस्ते, आपका माइक अनम्यूट है, अपनी बात कर सकते हैं। जी नमस्ते सर। सर मैं इस बात के पहले वाली भी एक बात रखना चाह रही थी कि आजकल मतलब परिप्रेक्ष्य बदला है, बच्चे हो या हमारे सहयोगी हो, हम किसी को भी आदेश में बात नहीं कर सकते हैं, हम सबसे साथ ही प्रस्ताव में ही बात करते हैं। हाँ बच्चे यदि छोटे रहे करीब मतलब बहुत छोटे तभी तक हमारे आदेश की बात चलती है, बाद में तो प्रस्ताव की ही चलती है, ये मेरी समझ थी। और अभी जहाँ सर बोल रहे हैं कि दूसरे को मैं मतलब दूसरा मुझसे अधिक समझदार और अधिक जिम्मेदार है, तो मैं तो समझने के लिए तत्पर रहती हूँ, ये बिल्कुल सही बात है। पर यदि मैं समझती हूँ कि दूसरा मुझसे मतलब मैं उससे ज्यादा अधिक समझदार हूँ, तो मैं उसको समझाने के पहले ये समझना चाहूंगी कि वो मुझसे समझना चाहता है या नहीं, वो इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। जी बढ़िया, ठीक बात है। अगर हम ये देख लें कि हमने अपने आप को दोस्ती से जिम्मेदारी जीते हैं तो वो ये इस बात को मान पाता है, जिम्मेदारी जीते हुए उस तक इन बातों को फिर हम पहुंचा पाते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया सुषमा। रश्मि जी हमारे साथ हैं, नमस्ते रश्मि जी। जी सर। जी बताइए। आवाज पहुंच रही सर इस बार? आ रही है। हाँ जी सर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि योग्यता के आधार पर आकलन करना, हम सबसे पहले तो हम अपने स्वयं का आकलन कर लें कि हम कितने योग्य हैं कि हम सामने वाले को अपनी बात समझा पा रहे हैं कि नहीं। और अगर बार बार कोशिश करने पर भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फिर हम यही समझें कि कहीं कमी है। हम इस बात को बात पहुंचा पा रही हूँ सर? शायद मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी जी सर। जी बताइए, मैं भी सुन, शायद तरफ कुछ नेटवर्क का इशू था। हाँ जी सर, आपकी भी अभी आवाज थोड़ी सी गड़बड़ हुई। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि हम सामने वाले के लिए कि योग्यता का आकलन इस आधार पर कर लेते हैं कि हम कह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी कुछ सीखे, अगर उसमें कुछ कमियां हैं कौशल में तो हम जानते हैं तो हम उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर वो नहीं सीख रहा है या नहीं समझना चाह रहा है तो हम ये मान लें कि हम में ही कमी है, ऐसा मान लें क्या? देख हमने ये था कि भाई वो ने 10 बार उसको सिखाने की कोशिश की, वो सीखा नहीं। जी ये भी तो हो सकता है कि हमने 10 बार सामने वाले ने मौका दिया हमको, हम उसको सिखाए। अगर एक क्लैरिटी हो जाती है, सामने वाला तो समझ ले जाती है, ध्यान नहीं दे पा रहा। अगर ये बात ध्यान में आ जाती है मुझे भी और सामने वाले व्यक्ति के साथ जब हम चर्चा करते हैं, तो हम पूरा प्रयास इस तरह का हमारा रहता है कि उस तक बात को पहुंचा दें। लेकिन अगर ये बात की क्लैरिटी नहीं बनती है तो फिर हम अपने में परेशान होते रहते हैं, अपने में जो है बहुत सारा विरोध का भाव बनता रहता है। हाँ जी, तो सर ये नेचुरल है ना कि हमें थोड़ा सा लगे ऐसा कि गलत हो रहा है। नहीं सुन पा रहा हूँ, परेशान होते हैं, ये नेचुरल है। वैसे तो ऐसा लगता है कि सॉरी सर, आज शायद मेरा लक सही नहीं है, मैं बात जुड़ नहीं पा रही। जी मुझे भी आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर। ठीक है सर, फिर ट्राई करती हूँ थोड़ी देर बाद। अच्छा, कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, क्लियर नहीं है आज वॉइस। जी ओके सर। दिशा भी एक बार फिर से रिज्वाइन करेंगे क्या लॉग ऑफ करके? जी 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 सर, अब आवाज आ रही है? अच्छा,
दिशा भैया फिर से ज्वाइन कर रहे हैं अभी। हाँ आलोक भैया जी, कोई प्रश्न हो परीक्षित भैया तो अगर किसी का है तो ले सकते हैं। जी रश्मि जी और उषा जी हैं साथ में मेरे जुड़े हुए। जी सर मैं उषा व्यास, मेरी आवाज आ रही है सर? जी 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 आ रही है। नमस्ते दीदी, अपनी बात रखते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते सर, मैं थोड़ा सा पीछे वाले क्वेश्चन पे जाना चाहूंगा, भेद पद और उसके आधार पर। तो मैं जब से राजानंद संस्थान से जुड़ी हुई सर, तो ये चीजें खत्म तो नहीं कह सकती पर कम बहुत हुई है, और मुझे दिख जाता है कि अचानक मुझे ध्यान नहीं रहता, कई बार तो भेद आ जाता होगा मन में, पर मेरी दृष्टि जो हुई है वो स्पष्ट हुई है कि मेरे मैं अपने स्टाफ में मुझसे बहुत छोटे मतलब उस पे हैं लोग, मैं उनको वो यदि मुझसे नमस्ते नहीं कर पाती, मैं स्वयं मतलब ये मुझ में आया है कि मैं उनसे नमस्ते कर लेती हूँ और भेद बिल्कुल कम हुआ है। और एक सर थोड़ा छोटा सा बताना चाहूंगी, मेरे मुझसे छोटे मतलब इसने मैं उनसे करती हूँ भाई जैसा मानती हूँ, सर मुझसे पूर्वाग्रह से प्रेरित उनके मन में क्या था, वो हमसे बात नहीं करते थे, कोई मैटर नहीं था, कोई भी मैटर नहीं था, बस बात मिसबिहेव करते थे मुझे, तो मुझे ऐसा लगता था शायद मेरे मन का होगा ये, पर बातचीत बंद थी। तो मैंने कई बार उनसे कोशिश की कि इनसे हमारा संवाद हो पाए, मैंने कई बार उनको नाश्ता की प्लेट भी पहुंचाई और उन्हें हमारा नाश्ता की प्लेट छोड़कर वो उठ गए, तो मुझे बहुत दुख होता था इस बात से कि ऐसा क्यों है, इनके मन में क्या है ये बोले। पर बहुत दिन तक मतलब एक स्टाफ में होते हुए उन्होंने 2 साल से मुझसे बात नहीं की, जबकि मैटर कोई नहीं था। तो मुझे जब मैं अपने इसमें सेशन में भाग लेती हूँ राजानंद संस्थान के, तो उसमें आया कि रिश्तों पे से एक सेशन होता है, तो मैंने उस रिश्ते को सुधारना चाहा, और आज ये है कि वो मुझसे उम्र में छोटे हैं, तब भी मैंने उनसे अभी उनसे व्हाट्सएप पे बार बार मैंने मैसेज भेजा और उनको बधाई दी, उनका प्रमोशन हुआ तो, और कि तुम मेरे छोटे भाई हो और कोई बात नहीं, पर मैं मतलब तुमसे स्नेह रखती हूँ ये, और आज ये है कि उनसे हमारा रिश्ता बहुत प्यारा हो गया है। और ऐसा स्कूल में मतलब मैं हमेशा अब मेरे अंदर ये भेद कम हुआ है, मैं खत्म तो नहीं शायद हो सक कर पाई हूँ पर करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अनजाने में ये चीजें आ जाती हैं हम ना चाहते हुए भी, पर ये है कि मेरे अंदर अब सबके प्रति प्रेम है और मैं ये समझ पा रही हूँ कि मेरे जैसे ही सब हैं, और लेव अटेंडेंट भी हैं हमारी छोटी हमसे, पर उनको मैं साथ में ही बिठाती हूँ, साथ में उनके काम करती हूँ, बिल्कुल उनको फील नहीं होने देती कि वो छोटी है। तो इस तरह से हमारे स्टाफ में बिल्कुल ऐसा मेरा नजरिया हुआ है, घर में भी यही है। तो ये जी थैंक यू जी, बहुत अच्छा, काफी अपने पे ध्यान जा पा रहा है, ये तो काफी अच्छी बात है हमारा सबका। और सर जो समझदार है मुझसे तो, जी सर जी। जो मुझसे अधिक समझदार है उनको तो हमेशा सुनने के लिए लालायित रहती हूँ, और यदि मैं किसी से समझदार हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं समझदार हूँ अभी। थैंक यू जी, ये बात ध्यान में आती है कि अगर मैं किसी व्यक्ति से कम समझदार हूँ, कम जिम्मेदार हूँ, तो मैं सामने वाले से सीखने को समझने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मुझे ये बात ध्यान में आ जाती है कि दूसरा व्यक्ति जो है वो मुझसे कम समझदार जिम्मेदार है, तो मैं उसके साथ ठीक ठीक बात को पहुंचा पाता हूँ जी। अगली स्लाइड पर चलेंगे। अगर यहाँ देखने जाए सम्मान को, तो ये दिखता है कि एक मैं खुद हूँ, मेरी योग्यता जो है वो कुछ है, वो समय है, वो मान्यता है। दूसरा है तो हो सकता है उसकी योग्यता जो है वो कुछ है, फिर जो संवेदना है, फिर मान्यता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा उसको कह रहे हैं योग्यता की कमी, तो मेरी योग्यता है, बाकी योग्यता की कमी है, किसी की योग्यता कम है, योग्यता की कमी ज्यादा है। अगर हमको ये दिख पाता है तो हम एक दूसरे के साथ
परस्परता का भाव बनता है, पूरकता का भाव बनता है कि हम एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट का भाव बनता है। लेकिन अगर ये बात ध्यान में नहीं आती है तो हम बहुत सारा भेद करते रहते, भेद करके अपने में ही परेशान होकर आगे चल सकते हैं। अगर इस पूरे सम्मान से जो हमको बात ध्यान में आती है तो वो ये बात ध्यान में आती है कि परस्पर पूरकता का भाव है, परस्पर पूरकता में जिया जाता है या जिया जा सकता है। ये बात जो है पूरा निष्कर्ष निकल कर आता है कि पूरकता का भाव है। परीक्षित भैया स्लाइड आगे बढ़ा पाए। करने के लिए किया भारी काम, जो काम शारीरिक शक्ति वाले व्यक्ति है वो कुछ हल्के काम कर लेगा। एक उच्च पद पर कुछ याद नहीं है, हाँ आवाज आपकी नहीं आ रही परीक्षित भैया, आप बताएं भैया। आवाज क्लियर नहीं हो रही है, नेटवर्क इशू हो रहा है, आप रखते हैं यहाँ तक। आलोक भैया आप बात रखते हैं थोड़ी सी, आवाज क्लियर नहीं है। जी जी ठीक है भैया, ठीक है। तो जैसा कि भैया अभी कह रहे थे है ना कि जब भी हम सम्मान की बात करते हैं है ना, तो सम्मान में दो बातों को कह रहे हैं। एक तो इस बात को कह रहे हैं कि हम अपने में ये देख पाए कि पर्पस प्रोग्राम और पोटेंशियल के आधार पर हर मानव तो एक जैसा है। परीक्षित भैया मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो भैया आपकी आवाज आ रही, ठीक आ रही। जी जी तो इस मतलब हमें ये देखने की बात है प्राइमरली कि मेरा पर्पस आपके पर्पस के जैसा ही है ना, सुखी होने का, समृद्ध होने का और निरंतर उसकी निरंतरता का। प्रोग्राम भी यही है कि सुख समृद्धि और उसकी निरंतरता को समझा जाए है ना, चार स्तर की हारमोनी को समझा जाए है ना। और पोटेंशियल के तौर पे देखते हैं तो ये दिखता है कि इच्छा विचार आशा मेरे में भी चल रही है और आप में भी चल रही है, सह स्वीकृति आप में भी बनी हुई है, मेरे में भी बनी हुई है। तो इस आधार पर दूसरा मानव मेरे जैसा है। फिर अब ये बात आती है कि आखिर सम्मान हो क्यों नहीं पा रहा है ना, भेद क्यों कर रहे हैं। तो पता चलता है कि हम जब ये नहीं समझ पाते कि दूसरा मेरे जैसा है तब हम भेद करते हैं। भेद में फिर बहुत सारे भेदों पर बात हुई है ना, कि आयु के आधार पर, बल के आधार पर है ना, इस तरह से हम लोगों ने तीन भेदों की बात की। और फिर ये कहा कि किसी भी व्यक्ति का जो इवैल्यूएशन होना है जिसमें राइट इवैल्यूएशन अपेक्षित है सम्मान के लिए, वो तो योग्यता के आधार पर होगा। और योग्यता को जब इवैल्यूएट करने जाएंगे तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मेरी योग्यता सामने वाले व्यक्ति की योग्यता से है ना कम हो। अगर मेरी योग्यता कम है तो मैं सामने वाले व्यक्ति से है ना जो ज्यादा योग्य है उसके साथ बैठकर निष्ठापूर्वक समझूंगा कि जहां मैं कम पड़ रहा हूं उस बात को समझने का प्रयास करूंगा। अगर मेरी योग्यता ज्यादा है और अगले व्यक्ति की योग्यता कम है तो उस स्थिति में दो ऑप्शन हमारे पास है, इनफैक्ट दो चीजें करने की जरूरत है। पहली है कि उस व्यक्ति के साथ संबंध पूर्वक जिया जाए, प्राइमरली तो ये रिक्वायर्ड है कि उस व्यक्ति के साथ संबंध पूर्वक जिया जाए। और जब हम किसी व्यक्ति के साथ संबंध पूर्वक जीते हैं है ना, तो धीरे धीरे ये स्थिति बनती है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं हमें स्वीकारने लगता है और ऐसा स्थान बनना शुरू होता है कि हम उस व्यक्ति के सामने कुछ बातें रख सकें। अभी तो ये स्थिति है संबंधों में कि हम कुछ कहते हैं, अगला व्यक्ति ब्लॉक लगा के बैठा हुआ है, वो सुन ही नहीं रहा है ना। तो उस ब्लॉक को हटाने के लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि उस व्यक्ति के साथ प्राइमरली जिया जाए और संबंध पूर्वक जिया जाए और उसके इवैल्यूएशन को अपने ध्यान में रखा जाए। और जब भी मौका मिले तो उस व्यक्ति से जो बात हो वो प्रस्ताव पूर्वक हो। तो जैसे अभी हम परिवार में क्या करते हैं कि जैसे अगर केस लें पति पत्नी और माता जी का, सासू माँ का अगर केस लें तो क्या होता है वहां पे,
कि बीच में हम दोनों लोगों को समझाने के चक्कर में कभी एक व्यक्ति की बड़ाई कर रहे होते हैं और कभी दूसरे व्यक्ति की बड़ाई करने लगते हैं। मतलब जहां जैसा मौका देखते हैं वैसा प्रयास करते हैं कि चीजें ठीक हो जाए, चीजें सम्मान पूर्वक व्यवस्थित हो जाए घर में, बट वो चलता नहीं है बहुत दिनों तक। तो चलेगा क्या? चलेगा ये कि हम जिससे भी बात करें परिवार में, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, या है ना माता पिता हो, वो सही बात करें। लेकिन वो सही बात कहेंगे कैसे जिससे सम्मान इंश्योर हो सके? वो सही बात को सही तरीके से कहा जाए, है ना। तो सही बात कहना जरूरी है और सही बात कहने के लिए हमारा सही मूल्यांकन जरूरी है, अगले व्यक्ति का भी और प्राइमरली अपना भी। इतना हो पाता है तो फिर सेकेंडरी ये देखना है कि हम दूसरे व्यक्ति के साथ है ना प्रस्ताव पूर्वक उस बात को रख सकें। इतना हो पाता है तब जाके संबंध में एक परस्पर पूरकता वाली जो बात रिक्वायर्ड है वो हो पाती है। मतलब अगला व्यक्ति जहां कम पड़ रहा है मैं उसका सहयोगी हो पा रहा हूँ, मैं उसके जीने में मददगार हो पा रहा हूँ। अब यहाँ जाके सम्मान पूरा होता है ना। मिनिमम कंटेंट सम्मान का ये है कि पहले तो मैं ये स्वीकार सकूं कि दूसरा मेरे जैसा है, फिर उसके बाद उसकी योग्यता का इवैल्यूएशन हो, उसमें भी मेरी अपनी योग्यता का इवैल्यूएशन करते हुए उसकी योग्यता का इवैल्यूएशन हो, है ना। और फिर अगर उसकी योग्यता कम पड़ रही है तो पहले उसके साथ जिया जाए संबंध पूर्वक, और फिर मौका मिलने पर प्रस्ताव पूर्वक उससे बात हो, तब जाके ये सम्मान की जो बात है, सम्मान का जो भाव है, वो दोनों पक्ष में फ्लो हो पाता है। अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई रहस्य रह जाता है। अगले व्यक्ति को लगता है कि पता नहीं कब ये मेरा अपमान कर देगा, पता नहीं कब मेरी चुंगली कर देगा, है ना। इस तरह की स्थितियां बनती हैं। तो निष्कर्ष में यही बात कहा गया कि पूरकता का जो भाव है ना, वो रिक्वायर्ड बात है सम्मान पूर्वक परिवार में या ऑफिस में जीने के लिए, एक रिक्वायर्ड बात। ठीक है भैया, आगे बढ़ सकते भैया। परीक्षित भैया स्लाइड, ये भेद पर तो बात हो ही गई है ना। दूसरा मेरे जैसा है, हम एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। या दूसरा मुझसे अधिक समझदार है, तो जैसा मैं कह रहा था, तो मैं दूसरे को समझाने, दूसरे से समझने के लिए तत्पर रहता हूँ। यदि दूसरे से अधिक समझदार मैं हूँ तो प्राइमरली क्या करना है, मैं दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ और फिर मैं दूसरे को समझने में सहयोग करने के लिए तत्पर रहता हूँ, वो भी प्रस्ताव पूर्वक। ठीक है, ठीक है भैया, आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग अपने लिए ये गृह कार्य भी देख सकते हैं, है ना, कि पिछले 6 महीनों में परिवार या संस्था में अन्य लोगों के साथ अपनी बातचीत को किन्हीं 5 घटनाओं की एक सूची बना लें और उस सूची में ये लिखने का प्रयास करें कि कब कब आपने सही मूल्यांकन किया, कब अधिक किया, कब अन्यथा किया, कब कम किया। और ये भी देखें कि आज भेद के बारे में जो हमारी चर्चा हुई है, उन तीनों आधारों पर भेद करने का एक एक उदाहरण दीजिए, है ना, और सही समझ के आधार पर प्रत्येक का समाधान सुझाइए। तो कहाँ कहाँ हम भेद कर रहे हैं उसको लिख लें, और वो किस आधार पर भेद कर रहे हैं उसको भी लिखें, और उसके समाधान को जरा अपने, है ना, कल्पनाशीलता में एक जरा चित्रण में करें, उसको चित्र बनाएं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है तो ऐसा कर सकते हैं क्या, है ना। क्या होता है कि अभी हमारी स्थिति कमोवेश ऐसी है कि समस्या में हम उलझ के रह जाते हैं, समाधान का अपने में हम चित्रण ही नहीं कर पा रहे। तो एक बार हम समाधान नहीं दे पा रहे हैं ये एक सेकेंडरी बात है, लेकिन क्या मेरी कल्पनाशीलता में समाधान आ भी रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाधान के नाम पर हम एक तरीके के भेद से स्विच होकर दूसरे तरीके का भेद कर रहे हैं, है ना। तो हम एक बार उन भेदों को लिखें, किस आधार पर वो भेद कर रहे हैं उसको लिखें, और जरा अपने में, अपनी कल्पनाशीलता में उसके सोल्यूशन को देखें और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये एक गृह कार्य हो सकता है। भैया आगे बढ़ाएंगे।
जी क्विज ले सकते हैं भैया। सार में अगर बात कहें तो पूरे अगर सेशन को रिकैप करें तो ये दिखता है कि सम्मान बराबर है ना सही मूल्यांकन, सही आकलन। जब जब हम सही आकलन नहीं कर पाते तो उसके अन्यथा अधिक मूल्यांकन है ना, अधिक आकलन, कम आकलन या अन्यथा आकलन करते हैं। तो इसके इसको लेकर हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल भी सेशन में लिए। तो सम्मान जो होगा वो किस आधार पर होगा, शरीर के आधार पर होगा या मैं के आधार पर? तो हम लोगों ने देखा कि सम्मान तो एक मैं का दूसरे मैं के साथ होगा है ना, और उसमें भी प्राइमरली इस बात को देखने से होगा कि दूसरा मेरे जैसा है ना, दूसरे का पर्पस, दूसरे का प्रोग्राम, दूसरे का पोटेंशियल मेरे जैसा है, मेरे में भी सह स्वीकृति है, दूसरे में भी सह स्वीकृति है, ये बात हमको दिखे। और साथ साथ ये भी बात दिखे कि जब हम आकलन करेंगे योग्यता का तो प्राइमरली हम अपनी योग्यता का आकलन करेंगे। अगर हम अपनी योग्यता का राइट इवैल्यूएशन नहीं करते, सही मूल्यांकन नहीं करते है ना, अगर हम अपना अधिक मूल्यांकन कर रहे हैं तो सामने वाले का कम करते हैं, अपना कम कर रहे हैं तो सामने वाले का अधिक करते हैं, अपना अन्यथा कर रहे हैं तो सामने वाले का भी अन्यथा करते हैं, अपना राइट कर पा रहे हैं तो अगले का भी राइट करते हैं। तो ऐसा हम करते हुए अगर ये पाते हैं कि दूसरा व्यक्ति मेरे से ज्यादा समझदार है, जिम्मेदार है, तो मैं उसके साथ तत्परता पूर्वक जीता हूँ है ना, उससे समझने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा मेरी योग्यता कम है और अगले की मेरी योग्यता ज्यादा है और अगले की कम है ना, तो फिर उस केस में मैं उसके साथ प्राइमरली तो जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ। उसके बाद जहां भी मौका मिलता है मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ, वो भी प्रस्ताव विधि से। फिर इसमें एक बात ये भी आ सकती है कि अगर दोनों का मूल्यांकन बराबर है, आकलन बराबर है, योग्यता बराबर है ना, ऐसा निकल के आ रहा है, तो दोनों मिल के है ना अखंड समाज के लिए प्रयास करते हैं। तो अगर ऐसा कोई योग्य व्यक्ति है कि जो मतलब एक व्यक्ति की योग्यता दूसरे के बराबर है, तो दोनों मिलके किसी काम को करते हैं है ना, आगे बढ़ाते हैं किसी सामाजिक कार्य को है ना, आगे बढ़ाते हैं। अभी तो हमारे आपके साथ ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि दो लोग एक साथ काम करते हैं तो सम्मान ही इंश्योर नहीं हो पाता है ना, एक तरीके का भेद या एक तरीके का अपमान है ना एक दूसरे के साथ हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो इतनी सी बात इस सेशन में थी भैया, और आगे हम लोग क्विज ले सकते हैं। ठीक है परीक्षित भैया। जी जी हेलो भैया, नहीं समय भी हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे रोक सकते हैं सेशन को। जी कल मॉर्निंग में हम लोग देख लेंगे कुछ को। जी जी, तो, जी सभी धन्यवाद दिलसाद भैया एंड धन्यवाद आलोक भैया इस इंटरेक्टिव सेशन के लिए। कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए अगर अखिलेश जी या इंद्रपाल जी बात रखना चाहें सेशन को क्लोज करने से पहले कुछ, या सत्यप्रकाश जी भी हमारे साथ। जी धन्यवाद भैया। जी जी अखिलेश भैया नमस्ते, स्वागत है। नमस्ते। नहीं बहुत दो आज बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई है, विश्वास और सम्मान। वास्तव में सारी बात यहीं पर आकर अटक जाती है कि हम इनको सही ढंग से निर्वाह नहीं कर पाते हैं अपनी सही समझ नहीं होने के कारण, तो शायद यही हमारी सारी समस्याओं की एक बड़ी जड़ बन जाते हैं। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज हमारे जो जितने भी साथी रहे हैं उनकी निश्चित तौर पे इस दिशा में समझ बढ़ेगी और बड़ी होगी, और जब इस दिशा में थोड़ा सा सोचना शुरू करेंगे, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करेंगे, तो शायद इसमें हमारी समझ लगातार बढ़ती जाएगी। मुझे खुद भी आज बहुत इसमें कुछ गहराइयों का पता चला जो शायद मेरे मन में मेरे कॉन्शियस में नहीं थी। धन्यवाद। जी धन्यवाद भैया। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग को ना चौथे दिन की चर्चा में आगे सभी परिवार में और संबंधों में चर्चा करते हुए सिद्ध भाव पे चर्चा करेंगे, और उसके बाद समाज पे और प्रकृति में चर्चा की जाएगी। तो कल पुनः सभी से जुड़ने की अपेक्षा के साथ अभी इस सेशन को यहाँ पे हम लोग रोकते हैं। सभी को नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते।